हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि सर ने बोला कि आज देखने वाले हैं, वो है कि इथिकल हैकिंग की। हैकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हैकिंग क्या होता है, किस तरीके से हैकिंग पे टूल होती हैं, टेक्निक होती हैं। जिस तरीके से संदीप सर ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया कि एक लॉक होता है, तो उसकी एक की होती है जिससे कि लॉक को हमेशा ओके ओपन किया जाता है। सिमिलर वे इथिकल हैकिंग आज हम देखने वाले हैं कि हैकिंग की आईटी इंडस्ट्री पे किस तरीके से इम्पोर्टेंस है अभी के टाइम पे। तो जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि अभी के टाइम पे आप जो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, राइट, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि फेसबुक यूज ना करता होगा, राइट। यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो 100% है, 100% गारंटी है कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया आप यूज यूज करते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि ओनली जेन्युइन यूजर्स ही बस उस मीडिया को यूज करते हैं, राइट। बहुत सारे मैलिशियस यूजर्स भी होते हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ प्रोपोगंडा प्रोवाइड करते हैं। सपोज आपको व्हाट्सएप पे भी कई बार काफी सारी लिंक्स आती हैं, और उस लिंक के थ्रू आपको बोला जाता है कि आप इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप इसमें फ्री रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे आपको क्या है, ऐसे लिंक्स प्रोवाइड होते हैं। तो यदि हम इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम केस स्टडी देखने वाले हैं कि अभी तक जो हैकिंग परफॉर्म हुई है जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे, और तो वो किस टाइप से हैकिंग परफॉर्म हुई है, उसी केस स्टडी के बाद वो हैकिंग किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगी, उन लोगों ने कौन से टूल्स यूज किए होंगे, हम उन सब पे भी वन बाय वन वो सब टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो यदि हम ये बात करें कि 60 सेकंड पे बेसिकली क्या होता है, यदि हम 60 सेकंड की बात करें तो हर एक 60 सेकंड में बेसिकली क्या होता है कि जितने मैक्सिमम, यदि हम फेसबुक की बात करें तो 1 मिलियन जो यूजर्स हैं वो आपके फेसबुक पे लॉग इन्स होते हैं। यदि हम गूगल की बात करें तो गूगल पे हमारे पास 3.8 मिलियन क्वेरी सर्च की जाती है हर एक 60 सेकंड पे। जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो 18.1 मिलियन टेक्स्ट मैसेज सेंड किए जाते हैं। यदि हम यूट्यूब की बात करें तो 4.5 बिलियन जो वीडियोस हैं वो व्यू किए जाते हैं। मतलब इतना क्राउड इंटरनेट पर बेसिकली वर्क कर रहा है। अभी के टाइम पे यदि हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म करना होता है, सपोज यदि मुझे कहीं ट्रेवलिंग करना होगा, तो ट्रेवलिंग के लिए मैं किसी एजेंट के पास नहीं जाऊंगा, राइट। ट्रेवलिंग के लिए भी हम जो आज के ऑनलाइन एप्स हैं, गोआईबीगो है और भी रेड बस है, ऐसे हम उन ऐप को यूज करके क्या करेंगे। यदि मुझे एक बाइक बुक करना है तो भी मैं ऐप के थ्रू बुक करूंगा। यदि मुझे एक फ्लाइट बुक करना है, सपोज मुझे यूके जाना है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपने टिकट को बुक करेंगे। मीन्स जब हम अपना मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स वहां पे ये चांसेस हो सकते हैं कि वहां भी कुछ मलेशियस हो। सपोज मैं ऑनलाइन कुछ टिकट तो बुक करूं, लेकिन क्या हो कि मुझे जस्ट मेरे पैसे लॉस हो जाए, मुझे टिकट ही ना मिले। ऐसे भी पॉसिबल है कि सपोज किसी ने आपको बोला कि आपको हम यहाँ की ट्रिप, 1 मंथ की ट्रिप करवाने वाले हैं, राइट। गोवा की सपोज है, सिंगापुर की 1 मंथ की ट्रिप है, और वो ट्रिप आपकी ओनली 10,000 रुपीज में है, वो भी 1 मंथ के लिए। तो आपने पेमेंट कर दी, लेकिन आपके पास उसका कुछ रिसीव आपको नहीं मिली, राइट। सपोज आपको किसी ने बोला कि क्या आपको अपने रिचार्ज करना है फोन पे, सपोज आपको जियो का रिचार्ज करना है, उस वाले केस पे क्या होगा। सपोज आपके पास कोई लिंक आई, उस लिंक पे आपको बोला कि आप इसमें फ्री रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे जेन्युइन लिंक काफी सारे आपके पास आपको रिसीव होती है, जहाँ पे क्या होता है ना कि आप उस पर क्लिक करें, आप अपने उसको ग्रुप पे शेयर करें, तो बोलता है कि आप अपना फ्री रिचार्ज कर पाएंगे। तो मीन्स अभी के टाइम पे मैक्सिमम जो पर्सन है वो अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, राइट। ये स्पेंड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अब जब सोशल मीडिया के ऊपर और इन सब इंटरनेट पर अपना टाइम स्पेंड हो रहा है, तो वहां पे ओनली जेनुअन चीजें, जेनुअन थिंग्स नहीं है, कुछ मैलिशियस चीजें भी वहां पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपके डेटा, आपकी जो प्राइवेसी है उसको क्या है, खतरा है। तो एक केस स्टडी मैंने की हुई है, बेसिकली ये अभी की है, अप्रैल मंथ की है। तो गाइस प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आप अनम्यूट ना करें, ठीक है। म्यूट कर लें अपने आपको, ठीक है। अभी के टाइम पे आपने ये देखा होगा, अभी जैसे कि अभी पीएम केयर्स पे फंड आपको क्या करना था, डोनेट करना था काफी सारे। पीएम ने से बोला हुआ था कि राइट कि आप फंड कुछ ट्रांसफर करें, तो
लाइक अभी साइबर, अभी क्या हुआ था बेसिकली, अप्रैल की ये न्यूज है, इस केस पे क्या हुआ था, लॉकडाउन पे साइबर ठगी का नया तरीका, सहायता के नाम पे राजस्थान पे 22 करोड़ से ज्यादा की ठगी। ओके, आपकी सहायता के लिए कि आपको क्या करना है, पैसे को कहाँ पे पीएम केयर्स पे सपोर्ट डोनेट करना है। ओके, तो यदि आप इस वाली स्लाइड को जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जब आप पीएम केयर्स पे सपोज आपको पैसे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे ये पीएम केयर्स @SBI, ओके, ये उसका ओरिजिनल, बेसिकली ओरिजिनल आईडी है पीएम केयर्स की, आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे राइट, और इस एंड पे यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पीएम केयर फंड @SBI। ओके, ये उसकी, उसने एक डुप्लीकेट आईडी अटैकर ने सपोज बनाया, और अटैकर ने वो डुप्लीकेट आईडी बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे, ओके, और काफी सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रोपोगेट किया। ओके, उसका एडवर्टाइजमेंट किया कि आपको पीएम केयर्स पे क्या करना है, आपको फंड को, ओके, डोनेट करना है, आपको वहां पे कुछ फंड ट्रांसफर करना है, और काफी सारे लोगों ने किया भी होगा, मे बी आप लोगों में से भी कई लोगों ने पीएम केयर्स पे कुछ फंड ट्रांसफर किए होंगे। ओके, तो बेसिकली क्या है कि साइबर ठगी के नाम पे, मतलब पीएम केयर की आईडी तो और कुछ है, लेकिन अटैकर्स ने एक डुप्लीकेट आईडी बना के, डुप्लीकेट सेम सिमिलर आईडी बना के, और इस टाइप की ठगी करनी चाहिए। तो ये भी ओके, इस तरीके से जो अटैकर्स हैं वो अपने पैसे बेसिकली अर्न करते हैं। और एक और यहाँ पर एक और मैंने न्यूज में जो देखा हुआ था कि 149.8 रुपए का जो रिचार्ज होता है राइट, उसका झांसा दिया कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आप 149 रुपए का फ्री रिचार्ज कर पाएंगे। और जो भी विक्टिम है उसने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करते ही उसके अकाउंट से सारे पैसे, ओके, उसके अटैकर के अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, इस टाइप के भी अटैक अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं राइट, इस टाइप की जो ठगी होती है बेसिकली फिशिंग अटैक से होती है। ओके, फिशिंग अटैक के थ्रू क्या होता है कि एक जो अटैकर है, ओके, एक जो सर अटैकर सुशील है, सर सुशील सर यस यस सर, दो प्रश्न आप करें हम लोग। आई थिंक नविता मैडम ज्वाइन हो चुकी हैं। अभिषेक ओके ओके सर, ओके स्क्रीन शेयरिंग बंद करो तो सो दैट वीडियो विल बी विजिबल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग संदीप, वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। आज के पैनल सेशन की जो चीफ गेस्ट हैं, एपीएस इंडस्ट्री डॉक्टर नविता श्रीवास्तव मैम हैं, जिन्होंने 70+ जिनके जनरल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो चुके हैं, साथ ही 45+ का मैम का लंबा एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर फील्ड में, साथ ही अमेरिका और पुर्तगाल जैसी कई रिसर्च एरियाज में इन्होंने विजिट किया है। बहुत बहुत वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज फाइनल सेशन में, आपने अपना टाइम दिया। रीवा से भी और सतना से भी, मैं चाहूंगा कि दो शब्द उनके लिए। कौन? हेलो हेलो, हाँ यू आर नॉट ऑडिबल, व्हाट डिड यू से? क्या कहा बेटा? आवाज आ रही है? हाँ हेलो, हाँ कुछ बोला तुमने अभी? जी जी, मैंने कहा कि दो शब्द सभी के लिए, जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करिए। और ओके ओके, हाँ ओके, वेलकम वंस अगेन मैम। Okay, so honorable members of organizing committee of this webinar, chief patron, chairman, Shri Ramakrishna Group of Institution, Mr. Shammi Puri ji, patron, Mr. Sandeep Bharti, administrator, Shri Ramakrishna Group of Institution, Professor Shruti, head of the computer science department of Ramakrishna College, convener of this webinar, Pinky Sharma ji, key speaker and the chief trainer of this webinar, Ms. Nisha Chauhan ma'am, and my dear students. First of all, I would like to congratulate the whole organizing committee for successfully organizing this 3-day webinar on cloud computing and cyber security topic, which is of very immense importance. The topic is very useful and important from the career point of view of the students.
I have been watching glimpses of this webinar since last 2 days, and I found that the lecture given by Ms. Chauhan is quite impressive, both in terms of its content as well as the presentation style. Combination of theoretical overview along with the hands-on practice made the presentation quite interesting for the student. Cloud computing and its security is need of the hour. To manage and maintain our own file server, data server, database server, जो हम लोग पहले करते थे ये बहुत मुश्किल होता था. हम लोग को खुद मेंटेन करना पड़ता था. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, ट्रबल शूटिंग वॉज ऑल्सो वेरी टीडियस. सर्वर हैड प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइज एंड ओवर यूटिलाइज प्रॉब्लम. समटाइम्स सर्वर हमारा बहुत फ्लडेड है, समटाइम्स बिल्कुल आइडल बैठा है. इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे. So now gone are the days of maintaining this kind of things. Now we can outsource our data, we can host our data in a cloud. So cloud technology, भविष्य की क्या technology आ गई है. अब ये बात नहीं रह गई है कि if we are going for cloud जाना है ये decide करना है. हमारी APS university भी और हमारी ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज अब IUMS के माध्यम से अमेजन के क्लाउड सर्वर पे उनका सारा डेटा होने जा रहा है. IUMS एक प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये इट इज इन द प्रोसेस. तो सारी यूनिवर्सिटीज का डेटा भी अब क्लाउड जा रहा है. क्लाउड पे मेंटेनेंस आसान है एंड दैट टू इज इन वेरी चीप प्राइस रिलेटिवली. तो डेटा हमारा क्लाउड पे जा रहा है. तो क्लाउड टेक्नोलॉजी निश्चित ही बहुत ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और हमारे स्टूडेंट्स जो अभी यूथ स्टूडेंट्स हैं इनको भविष्य में इसमें जॉब मिलने के काफी चांसेस हैं. सो क्लाउड टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट. अब दूसरी चीज आती है कि सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी भी क्लाउड में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न है. हालांकि जो हम लोग मेंटेन करते थे सिक्योरिटी, उससे रिलेटिवली बेटर सिक्योरिटी क्लाउड हमें देगा. बट ये इवॉल्विंग प्रोसेस है. सिक्योरिटी जो भी अभी आज है उसके बाद भी हैकर्स उससे ज्यादा स्मार्ट होते हैं एंड दे हैक इट. तो हमको कंटिन्यूअसली अपने सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करते रहना है. तो सिक्योरिटी निश्चित ही एक सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न है. तो हमारे यूथ को इसमें सिक्योरिटी के लिए स्पेशलिस्ट भी बहुत कम है. तो आगे आने वाले भविष्य में सिक्योरिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होंगी. तो इस जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ही अच्छी बात है. छात्रों को इससे बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी. इस कोविड पीरियड में बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने, और निश्चित ही हम सब इससे विनर होके निकलेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं. और हम छात्रों से ये कहेंगे कि इस कोविड पीरियड के चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदले विद द हेल्प ऑफ आईसीटी पावर. ये जो मैडम 3 दिन का कोर्स करा रहे हैं, आई ट्रेन फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, इसके अलावा वी आर वेरी लकी कि इंटरनेट में एक नहीं अच्छे अच्छे ब्रांड, चाहे वो मैं आपको कुछ नाम ले रही हूँ, आप उनको जरूर देखिएगा. गूगल इस समय फ्री में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा है जिसमें सिक्योरिटी भी है, जिसमें क्लाउड भी है. माइक्रोसॉफ्ट करा रहा है, कोर्सेरा करा रहा है, एडुरेका करा रहा है, ग्रेट लर्निंग करा रहा है. स्वयं अपने इंडिया एमएचआरडी ने अरबों रुपए खर्च करके स्वयं पोर्टल बनाया है जिसमें इंडिया एमएचआरडी और यूजीसी के माध्यम से बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रहे हैं. तो मेरी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करें. नेटफ्लिक्स नहीं देखें, वीडियो नहीं देखें, अपने समय देखें. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेबिनार. और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस समय को, इस कोविड पीरियड के जो चैलेंज है, इसको अपॉर्चुनिटी में बदलें, आईसीटी का यूज करें. नेट में 4-5 आवर्स से लेके 11 आवर्स तक में सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं. आप उसको अपनी सुविधा के हिसाब से एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं. और आप लोग जरूर करिए और अपने भविष्य को ब्राइट करिए, फ्यूचर स्ट्रांग करिए. थैंक यू वेरी मच निशा मैडम ऑल्सो. I hope we will be collaborating also with you from the APS University Rewa. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Okay, Abhishek, continue. Okay, guys. Okay, we are resuming our classes.
हाँ ओके, तो हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो अटैकर्स हैं वो कैसे फेक आईडी क्रिएट करते हैं, और फेक आईडी के थ्रू आपको क्या करते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, ओके, और इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या हो जाएगा, सपोज आप इस पे रिचार्ज कर पाएंगे, या तो आपको सपोज जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है कि पीएम केयर का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रही कि PM Cares@SBI एंड PM Cares Fund@SBI, ओके, जो ओरिजिनल आईडी वो कौन सी है, PM Cares@SBI, ओके. तो अटैकर आपको हमेशा इस टाइप पे कुछ, ओके, कि आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको फ्री रिचार्ज मिल जाएगा, इस टाइप से आपको कुछ बेसिकली दिया जाता है, राइट. तो इससे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इससे एग्जाम्पल क्या आपकी एक फेसबुक है सपोज, राइट, आपने देखा भी होगा मल्टीपल टाइम, ओके, जस्ट वेट, राइट, मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, ओके. आपके पास कभी कभी रिक्वेस्ट भी आती है फेसबुक पे या किसी भी चीज पे कि आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको किसी ने मैसेज किया हुआ है, राइट, आप उस पे यूजर नेम पासवर्ड डालें, आपको इस तरीके से कुछ मैसेजेस भी आते हैं, ओके. तो अटैकर किस तरीके से फिशिंग अटैक बेसिकली परफॉर्म करता है, एक अटैकर होता है वो किस तरीके से फिशिंग अटैक परफॉर्म करता है वो हम अभी देखने वाले हैं, राइट, कि किस तरीके से फिशिंग अटैक बेसिकली होते हैं. तो मैंने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल इसके लिए तैयार किया हुआ है जिससे कि मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊंगा कि किस तरीके से ओरिजिनली जो फिशिंग अटैक होते हैं वो बेसिकली वर्क करते हैं, ओके. तो उसके लिए मैं जो प्रैक्टिकल, ओके, जो हम लोग देखने वाले हैं इसको बेसिकली आप भी परफॉर्म कर पाएंगे आपके एंड पर, तो जस्ट वेट गाइस, राइट. मैंने AWS का जैसे एक इंस्टेंस क्रिएट किया होगा, किया है, राइट, जो कि आपने अभी जब AWS का जब लेक्चर अटेंड किया था उस केस में आपने स्टडी की होगी कि आपको AWS इंस्टेंस किस तरीके से क्रिएट करना है, ओके. और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मैंने एक ठीक फेसबुक की वेबसाइट बनाई हुई है, राइट, इट्स लुकिंग लाइक फेसबुक, ओके, लेकिन ये facebook.com नहीं है गाइस, यदि आप इसको यहाँ से देखें तो, राइट, ये नॉट सिक्योर वेबसाइट, ये सिक्योर नहीं है, ओके. और मैंने जस्ट एक आईपी एड्रेस के थ्रू एक वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, ओके, और उसमें अपने एंड से कुछ स्क्रिप्ट को ऐड किया हुआ है, और उस स्क्रिप्ट के थ्रू क्या होगा कि सपोज मैं ट्राई कर रहा, आपके पास किसी ने एक लिंक सेंड की, सपोज ये आईपी एड्रेस आपको किसी ने सेंड किया, या हम इसको लिंक पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये चैट बॉक्स पे ये एड्रेस को बेसिकली, ओके, शेयर कर रहा, या तो फिर आप इस आईपी एड्रेस को अपने ब्राउजर पे भी टाइप करेंगे तो ये ग्लोबली है, राइट, क्लाउड पे है, तो आपके पास भी जो सेम पेज मेरे पास ओपन है ये पेज आपके पास भी ओपन हो जाएगा, ओके. ये मैंने आपको चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया, आपने तो उसमें क्लिक करके और ये वाला पेज ओपन कर सकते हैं, राइट, जो मैंने अभी फेसबुक का एक फेक पेज ओपन किया हुआ है. तो अटैकर सिमिलर इस टाइप के कुछ फेक पेजेस बनाते हैं, और सपोज मैं आप यहाँ पे कुछ रैंडम पासवर्ड डाल दे रहा, राइट, और इसको मैं लॉग इन कर रहा, गाइस अब आप इसको गौर से देखें, राइट, अभी हम लोग जस्ट मेरे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस है, ये नॉट सिक्योर वेबसाइट है, मैंने जस्ट यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पे कुछ पासवर्ड इस तरीके से मेंशन किया, ये ईमेल एड्रेस पासवर्ड दोनों रॉन्ग है, ओके, जस्ट मैं इसको सबमिट कर रहा, ओके. सबमिट करने के बाद मेरे पास कुछ भी इवेंट परफॉर्म नहीं हुआ, राइट, जस्ट जो मेरी क्वेरी थी वो सबमिट हो गई, और सबमिट होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मेरे पास ओरिजिनल वाली facebook.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ओके. मेरे पास ओरिजिनल वाली फेसबुक वेबसाइट ओपन हो चुकी है अब, ओके. अब जो हमने क्वेरी सेंड की हुई थी, राइट, यदि देखिए आपको दिखाता हूँ वो क्वेरीज, ओके, मैंने जो यूजर नेम पासवर्ड दिए हुए थे, राइट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा, बिकम विजिबल, ओके, मैंने यूजर नेम दिया हुआ था ये और पासवर्ड दिया हुआ था ये, ओके. मेरे साथ में जो भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे टाइप की, आपने उस फिशिंग वाले वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन टाइप की थी वो सब इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, राइट. तो अटैकर इसी टाइप से वर्क करते हैं, राइट, कि उनने क्या किया, एक फेक पीएम केयर्स फंड नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया, जब भी आप उसमें कुछ, ओके, पैसे को डिनोट करोगे, ओके, तो वो क्या होगा, डोनेट करोगे तो वो क्या होगा, वो अटैकर के अकाउंट पे जाएगा, ना कि आपके अकाउंट पे, सिमिलर वे, ना कि पीएम केयर्स के अकाउंट पे, राइट. सिमिलर वे यदि सपोज आपके पास कभी कोई मैसेजेस आता है उसमें, ओके, आपके लिखा हुआ होता है कि, ओके, ये पर्टिकुलर
आपको ओके किसी लड़की का नाम हो कि नेहा ओके ट्राई टू आपसे आपको कुछ मैसेज कर रही है, तो आप इसमें लॉग इन करें राइट, और लॉग इन करने के बाद क्या करें ओके लॉग इन करें उसको रिप्लाई करें ओके तो उस केस पे आप क्या करेंगे अपना यूजर नेम पासवर्ड वहां पे पुट करेंगे ओके। यूजर नेम पासवर्ड आप जैसे ही डालते हैं तो वो यूजर नेम पासवर्ड किसके पास रहते हैं, वो अटैकर के पास आ जाएगा ओके। तो सिमिलर ओके मैं भी आपको कुछ टाइम दे रहा, तो आप भी क्या करें जो मेरे पास आईपी एड्रेस ये जो आईपी एड्रेस है इस आईपी एड्रेस को आप आपकी ब्राउजर के ब्राउजर पे टाइप करें ओके। ब्राउजर पे टाइप करें और टाइप करने के बाद आपके पास भी एक पेज ओपन हो जाएगा ओके लाइक दिस। जो मेरे पास यहाँ पे पेज ओपन है फेसबुक का, आपके पास सिमिलर ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। आप उस पेज पर एक फेक आईडी और पासवर्ड मतलब कुछ भी आईडी पासवर्ड दे सकते हैं राइट, इट्स नॉट वैलिडेट, वो कहीं वैलिडेट नहीं करेगा, जस्ट एक आईडी और पासवर्ड करके आप यहाँ पे लॉग इन करें। और मैं आपको दिखाता हूँ जो भी आप आईडी पासवर्ड आपके एंड पे ओके आप देंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मेरे पास आती जाएगी ओके। तो इस तरीके से अटैकर क्या करता है, फिशिंग टाइप के पेज ओके तैयार करता है ओके। एक और हमारे पास आईडी रिसीव हुई है राइट, किसी ने अभिषेक नाम से फिर से किया हुआ है ओके। ये देखिए ओके सिमिलर ओके आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस है, जस्ट आप इस आईपी एड्रेस को टाइप करें आपके वेब ब्राउजर पे। आपके पास यदि फोन है आप फोन पे भी टाइप कर सकते हैं, आप फोन पे वेब ब्राउजर आप उस पर भी टाइप कर सकते हैं। यदि आप लैपटॉप ले लैपटॉप अभी आपके पास है आप उस पर भी ओपन करके और ओके इस पेज पे जो भी ओके जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे जरा हम पासवर्ड वो क्या होगा बेसिकली वो अटैकर के पास चला जाएगा log.txt ओके। देखिए काफी सारे लोगों ने टाइप किया भी है ओके, राकेश ने टाइप किया है ओके ओके। ये देखिए सारे लोगों ने टाइप किया होगा राइट। अब जो भी जितने भी यूजर्स इस फिशिंग पेज पे बेसिकली अपना यूजर नेम पासवर्ड देंगे राइट, अभी मैंने छोटे से स्क्रिप्ट क्रिएट की हुई है, मैं चाहूँ तो इसको और ओके सपोज मैं सिमिलर वे पे पेटीएम के लिए सिमिलर वे पे हम लोग ओके और दूसरे इंस्टाग्राम के लिए सिमिलर अटैकर इस टाइप से पासवर्ड को बेसिकली ब्रेक करता है। पासवर्ड वो इस तरीके से ब्रेक करता है ओके, मतलब पासवर्ड इस तरीके से वो लोगों का इजीली आइडेंटिफाई ओके आइडेंटिफाई करता है। देखिए और भी लोगों ने किया हुआ है ओके एनोनिमस ओके, ये देखिए स्नेहा ओके राकेश ओके, और भी काफी सारे लोगों ने, आप भी ट्राई करें ओके। जो भी ओके आप वहां पे अपने एंड पे मेंशन करेंगे आईडी पासवर्ड ओके वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना ओके वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे कि हमने इसके लिए एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया हुआ है ओके, एक स्क्रिप्ट क्रिएट की है ओके, और एक फेसबुक का फेक पेज बनाया हुआ है। और इस फेक पेज के थ्रू क्या हो रहा है, आप जो भी आपके एंड से ओके टाइप करेंगे ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएगी ओके। ये देखिए और भी लोगों ने टाइप किया हुआ है ओके सिमिलर वे राइट। तो टाइप से ओके इस टाइप से जो अटैक्स होते हैं, जैसे कि हमने जो यहाँ पे अटैक पढ़े ओके लॉकडाउन पे साइबर ठगी का नया तरीका, और ये जो 498 का जो रिचार्ज ओके ये अटैक भी सिमिलर होते हैं ओके, कि आपके पास एक लिंक आएगी ओके, आपके पास भी एक फेक लिंक आएगी और उस फेक लिंक कर रहे हैं सर के साथ। गाइस निखिल आप म्यूट कर लें, आप अनम्यूट आपने किया अपने अपने आप को अनम्यूट कर लें राइट। तो इस केस पे क्या होगा कि आप सर निखिल अनम्यूट कर लें म्यूट कर लें राइट ओके। इस टाइप से फिशिंग अटैक बेसिकली वर्क करते हैं। तो फिशिंग अटैक के केस पे क्या होगा कि अटैकर्स आप फेक लिंक प्रोवाइड करेगा, ये लिंक तो मैंने आपको सिंपल आईपी एड्रेस दिया हुआ था, अटैकर ये भी कर सकता है कि आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर सकता है। अभी हमने लिंक ऐसे कुछ मैं राइट, तो मैं इसको लिंक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज यदि मैं डीएनएस ओके सपोज यदि सॉरी ओके सपोज यदि आप क्या करेंगे राइट अभी ये मुझे आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, यदि मैं इसमें डीएनएस परचेस कर लूँ ओके, यदि मैं इसमें डीएनएस डोमेन नेम एड्रेस यदि मैं इसमें परचेस कर लूँ तो उसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे सपोज facebook.com से मैं सिमिलर डोमेन को रजिस्टर्ड करके और आपके पास लिंक सेंड कर सकता हूँ, वो भी आपको सिमिलर दिखेगा लेकिन वो बेसिकली फेक आईडी होगी ओके। देखिए मेरे पास कितने सारे कॉन्टेक्ट आ चुके हैं ओके, सबकी इन्फॉर्मेशन राइट ओके।
मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। आप जो भी टाइप कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक के सर्वर के पास ऑथेंटिकेट होने के लिए नहीं जा रही है, वो बेसिकली अटैकर के पास जाके वो डेटा सेव होते जा रहा है। अब वो उसका मिस यूज भी कर सकते हैं। सपोज आप उसको आईडी पासवर्ड तो पता हो चुका है ना कि आईडी पासवर्ड बेसिकली आपका क्या है, तो वो इजिली आपके फेसबुक अकाउंट पे लॉग इन करके और कुछ मैलिशियस एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखें, जब भी आप फेसबुक लॉग इन करें तो फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फेसबुक ओपन करें, या आपको जब भी कहीं पे कुछ ट्रांसफर करना होगा ओके, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, यदि आपको रिचार्ज भी करना है ओके, तो आप माई जियो के ऐप में जाए वहां से रिचार्ज करें। ऐसा नहीं कोई लिंक है, आपने उस लिंक पे क्लिक किया ओके, और क्लिक करने के बाद फ्री के चक्कर पे आपने क्या किया कि आपने आपने आपके पैसे भी बहुत सारे लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, या तो आपकी जो प्राइवेसी, आपकी जो फोटोज हैं आपके फोन पर हैं वो भी बेसिकली चोरी हो सकते हैं ओके। तो बी केयरफुल, आपको किसी भी लिंक पर ओके क्लिक नहीं करना है ओके। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उसके बाद ही आप कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ओके गाइस। सेकंड जो हमने केस स्टडी ली हुई है वो है कि आप अभी जूम ऐप राइट, जूम ऐप आज के दो मिनट पहले ही बैन हो चुका था राइट, कि इंडिया पे जितने भी अभी लॉकडाउन के केस में जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी, कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी, वो सारे जूम अकाउंट के थ्रू कॉल हो रही थी। और जूम अकाउंट का जो डेटा था ओके, जूम अकाउंट का जो डेटा था बेसिकली वो लीक हो रहा था, यूजर नेम पासवर्ड्स हैं ओके, वो सब लीक हो रहा था राइट, और लीक होके बेसिकली सोल्ड आउट किया जा रहा था किसमें, डार्क वेब पर ओके। अब गाइस यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज हुआ डार्क वेब, कि डार्क वेब बेसिकली है क्या ओके, जहाँ पे जितने भी जो आपके अकाउंट के पासवर्ड है, सपोज जूम अकाउंट जो है ओके, वो सोल्ड आउट हो रहे थे कहाँ पे, डार्क वेब पर। तो डार्क वेब जैसे कि अभी हम जो वेब बेसिकली यूज करते हैं, आई थिंक यू नो अबाउट जूम, कि जूम बेसिकली जूम ऐप है क्या और ये जूम किस तरीके से वर्क कर रहा था, सिमिलर जिस तरीके से हम सिस्को वेबएक्स के थ्रू सब लोग कनेक्ट होके सेमिनार ओके कर रहे हैं, सिमिलर वे हम ये सब चीजें जूम ऐप के थ्रू भी परफॉर्म कर पा रहे थे ओके, जूम ऐप के थ्रू भी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हो रही थी ओके, तो उस पे भी यूजर नेम पासवर्ड ओके होगा, यदि ओके एक कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होगी या कुछ भी होगा तो ओके वो डेटा को स्टील कर रहा था जो जूम था। तो उस केस पे उसको क्या हुआ कि उसको बेसिकली बैन हो चुका है जूम ऐप तो अब राइट, और उसके जो अकाउंट थे वो डार्क वेब पर सोल्ड आउट किए जा रहे थे। तो यदि हम यहाँ पे टाइप सर्च, बेसिकली मैं टाइप सर्च करूँ जस्ट वेट ओके, मैं यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ओके बैब ओके, मैं बैब के आपको टाइप सर्च करें, बैब कितने टाइप की होती है बेसिकली, यदि ओके मैं इसको इस तरीके से ओपन करता हूँ ओके, तो गाइस ये बैब है। अभी हम जो बैब यूज करते हैं बेसिकली वो बैब सरफेस बैब है ओके, एक होती है डीप बैब होती है और एक होती है डार्क बैब होती है ओके। तो हम लोग डीप बैब और डार्क बैब को यूज नहीं कर पाते हैं, यूजली हर कोई इजिली यूज नहीं कर पाएगा। और यदि मैं आपको दूसरी पिक्चर यहाँ से दिखाऊँ ओके, सपोज मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, इस पिक्चर पे थोड़ी सी ब्लर है लेकिन आप ओके नॉट सही है ओके, आप यहाँ पे देखेंगे हम 4% ही, अभी हम जो इंटरनेट पर 4% ही इंटरनेट यूज कर पाते हैं, ओनली 4%, 96% इंटरनेट हम यूज ही नहीं कर पाते ओके। 96% जो इंटरनेट है वो आपका डीप वेब है और डार्क वेब है ओके, डीप वेब है और डार्क वेब है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, साइंटिफिक रिकॉर्ड हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ पर है, ये आपकी डीप वेब पर है। और डार्क वेब पर भी आपके ओके ड्रग्स हैं ओके, पॉलिटिकल और भी काफी सारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी डार्क वेब पर अवेलेबल है ठीक है। तो डार्क वेब पे किसी को ट्रेक करना इतना ईजी नहीं होता है, जिस तरीके से सिमिलर यदि मैं आपको भी यहाँ पे हूँ, यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँ व्हाट इज माय लोकेशन ओके, तो मुझे दिखा देगा कि मैं कहाँ पर हूँ ओके गाइस, ये मुझे दिखा देगा इंदौर, मुझे देखो इंदौर से होना मुझे स्टार्ट हो गया ओके, मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि मैं भी इंदौर पर हूँ, क्योंकि कि हम यूज कौन सी वेब कर रहे हैं, अभी हम यूज सरफेस वेब हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि 4% है, मीन्स आप गूगल ठीक है, बिंग, याहू, फेसबुक, ये सब जो आप यूज करते हैं ये जस्ट आपकी सरफेस वेब है जिसको यूज करके और आप इंटरनेट अभी यूज करते हैं राइट। तो सरफेस वेब के अंदर इजीली आप ट्रैकेबल हो, आप जो भी इवेंट परफॉर्म करेंगे आप इजीली ट्रैक करके हो जाएगा राइट। तो जो भी अटैकर्स होते हैं, अटैकर्स बेसिकली सरफेस वेब यूज नहीं करते हैं,
अब सपोज मुझे कुछ इनलीगल अटैकर्स को कुछ इनलीगल एक्टिविटी करना है, ड्रग्स को सप्लाई करना है, किसी को सोल्ड आउट करना है, यदि वो फ्लिपकार्ट पे सर बेचेगा तो उसको इजीली कोई भी पकड़ लेगा, राइट? तो उस केस से वो क्या करेगा, डार्क वेब और डीप वेब पे उसको सोल्ड आउट करने की ट्राई करेगा, जहां पे वो अनट्रैकेबल है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, वो वहां पे एनोनिमस है. तो इसलिए जो अटैकर्स होते हैं वो डीप वेब और डार्क वेब का यूज करते हैं. और इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि जो जूम के अकाउंट्स थे, या आपने अभी और भी सुना होगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक और स्लाइड थी जिसमें कि आधार कार्ड का जो डेटाबेस था वो भी कंप्रोमाइज हो चुका था, राइट? और उस जो भी आधार कार्ड, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे आधार कार्ड की आईडी है, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर सोल्ड आउट हो रही थी, वो भी बहुत मिनिमम अमाउंट पे, ठीक है? तो ये दो चीज, तो आपने पहले सुना होगा आधार कार्ड का, मे बी 2018 या फिर 17 पर उस वाले केस पे भी आधार कार्ड का डेटाबेस हैक हो गया और डार्क वेब पे इंफॉर्मेशन बेची जा रही थी, सोल्ड आउट की जा रही थी, सेम जूम अकाउंट भी, और ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन है. जस्ट मैंने ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक जूम अकाउंट का और एक आधार कार्ड, जो अभी करेंट ट्रेंडिंग है. और ऐसी काफी सारी चीजों के हैक करके बेसिकली डार्क वेब पर सोल्ड आउट की जाती है, जैसे कि डार्क वेब कॉन्फिडेंशियल है, वहां पे अनट्रैक, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है. तो अभी हम जो वेब यूज कर रहे हैं वो सरफेस वेब है, डीप वेब भी यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और एक डार्क वेब होता है, राइट? ये तीन स्टेप्स हैं. अब ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग डीप वेब यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने जैसे कि बोला कि हम लोग डीप वेब या डार्क वेब यूज इतने इजीली नहीं कर सकते, राइट? हर कोई यूज नहीं कर सकता है. जैसे कि सिमिलर, यदि आप गूगल पे कुछ टाइप करेंगे कि मुझे हैकिंग सीखना है, तो आपको 10 लिंक वहां पे मिल जाएंगे, हैकिंग सीखने के रिलेटेड 10 लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे. ऐप भी टाइप करेंगे, ऐप भी के 10 लिंक आपको मिल जाएंगे. लेकिन इस टाइप से डार्क वेब और डीप वेब पे ऐसी सर्चिंग नहीं होती है. तो उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर बेसिकली यूज होता है जिसका नाम है टॉर. अटैकर्स क्या करते हैं, टॉर ब्राउजर का यूज करके एनोनिमसली क्या करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने के लिए. इससे अटैकर जो भी सर्च करेगा वो अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेगा. सिमिलर वे, जिस तरीके से आप गूगल पे कुछ सर्चिंग करते हैं तो .com होता है, .org होता है, आप इस टाइप के डोमेन्स बेसिकली यूज करते हैं. लेकिन जब भी कोई अटैकर डार्क वेब पर कुछ सर्च करेगा तो वहां पे जो वेबसाइट होती है, राइट? तो राइट, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पे वेबसाइट किस टाइप से होती है और आप उन वेबसाइट पर विजिट क्यों नहीं कर सकते हैं. तो बेसिकली वहां जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसकी लिंक होती है. जैसे कि मेरे पास एक सिंपल वेबसाइट है, जो कि ई बुक्स की है. ई बुक की वेबसाइट है, राइट? ये ई बुक की मेरे पास वेबसाइट है जो कि ऑनियन वेबसाइट है, राइट? ऑनियन है, मीन्स आप जब भी टॉर पर कुछ यूज करता है कोई अटैकर, तो उस केस पे जो वेबसाइट वो यूज करता है वो ऑनियन वेबसाइट होते हैं. अब देखिए, ये जो वेबसाइट है इसका जो यूआरएल है, मे बी आपको पता होगा सब लोगों को. मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से और टाइप कर दे रहा, और इसको थोड़ा सा इसके फॉन्ट को साइज को बढ़ा दे रहा, राइट? इट्स विजिबल. ये बेसिकली ये मैंने ये टाइप किया हुआ, राइट? यूआरएल पे मैंने ये टाइप किया हुआ है. अब आप इसको मेमोराइज नहीं कर सकते हैं गाइस. XFMRO77I3 इस टाइप की वेबसाइट है. तो जब तक आपके पास ये स्पेसिफिक लिंक नहीं होगी तब तक आप इस वेबसाइट में विजिट नहीं कर पाएंगे. इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर कोई डार्क वेब और डीप वेब चूज कर पाए, ठीक है? तो बेसिकली जो भी डार्क वेब और डीप वेब एक्सेस करता है उसके पास एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, राइट? तो उसके थ्रू वो उस वेबसाइट को बेसिकली यूज कर सकता है. देखिए, बुक की वेबसाइट है. अब आपको इस वाले वेबसाइट में ऐसी काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी जो कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे काफी अच्छा अमाउंट उनका, सपोज बोर्ड 1000 की या 500 रुपीज की है, और उस सिमिलर बुक को आप यहाँ पर फ्री पे डाउनलोड कर सकते हैं. वो सिमिलर बुक को आप यहाँ पर इस साइट में जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. और अब यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि व्हाट इज माई लोकेशन, तो यू कैन सी मेरी लोकेशन मुझे कहाँ दिखाता है. आई डोंट नो कि लोकेशन कहाँ दिखाएगा, इंडिया तो नहीं होगी. यदि
यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी जो लोकेशन है, मेरा जो आईपी एड्रेस है, मुझे हाइड करके शो करेगा बेसिकली. ओके माय आईपी एड्रेस. ओके मुझे देखिए दूसरा रीजन, मुझे कंट्री तो इंडिया दिख रहा है लेकिन अभी मुझे इंदौर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है. ओके और मेरा यहाँ पे आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा. ओके मुझे असम असम दिख रहा है, राइट, असम मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, मेरी लोकेशंस को हाइड कर देगा. इसलिए जितने भी अटैकर्स हैं, अटैकर्स बेसिकली क्रोम यूज नहीं करेगा. ओके अटैकर सिंपल टूल आपकी क्रोम ब्राउजर यूज नहीं करेगा, राइट, और डार्क वेब और डीप वेब पे आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करने वाला है, सोल्ड आउट करने वाला है. तो गाइस ये होता है डार्क वेब और डीप वेब, जिसमें कि काफी सारे जो अकाउंट्स हैं उसको अटैकर हैक करके और वहां पे सोल्ड आउट, मिनिमम प्राइस पे सोल्ड आउट कर देता है. ओके तो ये केस स्टडी हुई कि किस तरीके से डार्क वेब पे जो हैकर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, वो कैसे कैसे किस तरीके से पैसे को अर्न करते हैं. तो आपको उससे कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है मीन्स. ओके इसका वजह मतलब ये है. और आपने 2080 या 80 के केस में एक चीज देखी होगी, व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत प्रोपोगेट हो रहा था. वो चीज क्या थी कि व्हाट्सएप पे एक बग था. ओके क्या बग था कि आपके पास एक वीडियो एप्लीकेशन आता था, आपस में वीडियो आता था, आपस वीडियो को प्ले करते थे और प्ले करते ही क्या होता था कि आपके पीसी पर एक स्पाइवर डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता था. और उस स्पाइवर के थ्रू, स्पाइवर बेसिकली गाइस एक एप्लीकेशन होते हैं, राइट, मैलिशियस एप्लीकेशन होता है. यदि आपके पीसी पे स्पाइवर इंस्टॉल है तो आपके पीसी या आपके फोन का फुली कंट्रोल अटैकर के पास चला जाता है. फुली कंट्रोल, फुल मीन्स आप जिससे बात करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास चली जाएगी, आप जिससे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजिंग करेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन अटैकर को होगी. तो व्हाट्सएप पे बग था जिसमें कि अटैकर सीक्रेटली स्पाइवर को इंस्टॉल कर पा रहा था आपकी डिवाइस पर, और वो जो स्पाइवर था एक वीडियो के अंदर मर्ज कर दिया हुआ था, राइट. अब जैसे वीडियो प्ले करते थे तो बैकग्राउंड पे स्पाइवर इंस्टॉल हो जाता था. ओके इंस्टॉल होने के बाद आपका जो पूरा फोन है वो पूरा फोन कंप्रोमाइज. ओके उसके बाद आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अटैकर ने स्पाइवर इंस्टॉल किया हुआ उसके, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं जाते रहेगी. ओके इस टाइप से स्पाइवर्स होते हैं. ओके और सिमिलर वे फेसबुक पे भी हैकिंग परफॉर्म हुई थी जिसमें कि काफी सारे यूजर्स का अकाउंट को ओके डार्क वेब पर सोल्ड आउट किया जा रहा था. ओके उसमें कुछ एक्सेस टोकन होती है, पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक्सेस टोकन होती है कोडिंग के थ्रू, राइट, एक्सेस टोकन होती है. उस टोकन के थ्रू आपके अकाउंट को कंप्रोमाइज किया जा रहा था. तो ये काफी टाइप की वल्नरेबिलिटी है. ओके काफी टाइप की ये लूप होल्स थे जो कि अभी भी है, राइट. तो अभी भी काफी सारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जिसके थ्रू कि आपका डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है. यदि हम एक डेटा ब्रीच स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि कितना डेटा लॉस होता है, ये केस स्टडी है. ओके और ये थोड़ी ओल्ड केस स्टडी है, राइट, नॉट नाउ. तो उस टाइम पे 32,21,670 इतने रिकॉर्ड्स आपके एवरी डे लॉस हो रहे थे. यदि हम एवरी आर की बात करें तो 1,34,236 इतने रिकॉर्ड ओके हर एक आर पे लॉस हो रहे थे. एवरी मिनट की बात करें तो 2,237 एवरी मिनट पे रिकॉर्ड लॉस हो रहे थे. एवरी सेकंड्स की बात करें 37 रिकॉर्ड्स. ओके जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व थी जिनका रिकॉर्ड लॉस बेसिकली हो रहा था वो होती है टेक्नोलॉजी थी, मतलब आईटी कंपनीज हो सकती हैं, रिटेलर कंपनी थी. ओके जैसे रिटेलरिंग होती है, राइट, ओके वो थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, गवर्नमेंट था, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर. इन सब की रिकॉर्ड बेसिकली लॉस हो रही थी, मीन्स इसमें हैकिंग कुछ परफॉर्म हो रही थी. और उसका सोर्स क्या था, बेसिकली मैलिशियस आउटसाइड, कि कोई आउटसाइड से आपके सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं, मीन्स चाइना से हमारे इंडिया पे अटैक हो रहा है. इट्स कॉल्ड आउटसाइड अटैक. वो आपकी कंपनी पे नहीं, वो आपको कोई जानता नहीं है, राइट, दूसरी कंट्री से बैठ के, सपोज मैं यहाँ से बैठे किसी को अटैक करूँ, इट्स आउटसाइड अटैक. ओके इंसिडेंटल भी लॉस हो जाता है कभी कभी, हम कुछ बैकअप. ओके इंसिडेंटल लॉस की, सपोज मेरी डिवाइस ही क्रैश हो चुकी है, हार्ड डिस्क की फेल हो चुकी है, उस केस पे इंसिडेंटल लॉस होता है. मैलिशियस इनसाइड, ये सबसे खतरनाक है. मैलिशियस इनसाइड मीन्स आप जिस ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करते हैं उसके अंदर जो एम्प्लॉय है, ओके सपोज नेटवर्क इंजीनियर है, उसने ही आपके सिस्टम को अटैक कर दिया, उसने ही रैनसमवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया. तो सबसे जो ओके डेंजरस है वो है मैलिशियस इनसाइड. मैलिशियस आउटसाइड तो कब वर्क करेगा ना, जब आपके सिस्टम पे लूप होल्स होंगे. लूप होल्स इन द सेंस कि कोई लॉजिकल एरर होगी, लॉजिकल मिस्टेक होगी, उस केस पे
मैलिशियस आउटसाइड वर्क करेगा, लेकिन मैलिशियस इनसाइड यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई अटैकर है, ओके, तो वो आप उसके पास सारा कंट्रोल होगा ना। यदि कोई आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है डेटा सेंटर पे, तो उसके पास तो एक्सेस होगा कि वो उनके सर्वर को एक्सेस कर पाए। तो ओके, मैलिशियस इनसाइट के थ्रू भी अटैकिंग परफॉर्म होती है। बेसिकली जो किसी भी कंपनी के जो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय होते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो भी बेसिकली मैलिशियस इनसाइट टाइप के अटैक उन लोगों से ही परफॉर्म होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है। इस अटैक में क्या होता है कि एक स्टेट है, उस स्टेट के लेवल पे मैं आपको सपोज इसे पीएम करके यदि मैं एग्जांपल लूं, एक स्टेट के लेवल पे मैं आपको हर एक व्हाट्सएप अकाउंट पे एक मैसेज को सेंड करवाऊंगा, राइट, कि आप पीएम स्केयर पे इतना फंड ट्रांसफर करें, राइट, गवर्नमेंट आपसे इंसिस्ट कर रही है, ओके। तो मैंने एक स्टेट लेवल पे किया, मतलब एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन पे एक मैसेज को प्रोपोगेट किया, और उसमें से मेरे पास 10% भी रिप्लाई आ गया, ओके, तो मेरा तो काम हो गया, राइट, तो ओके, मुझे कितने सारे पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो स्टेट स्पॉन्सर मतलब एक स्टेट में हम किसी मैलिशियस एक्टिविटी को प्रॉपर एक ज्योग्राफिकल जो मेरे पास लोकेशन है वहां पे हम किसी मैलिशियस एक्टिविटी को ओके स्पॉन्सर्ड करते हैं। हैक्टरिस्ट टाइप के भी अटैक्स होते हैं। बेसिकली जो हैक्टरिस्ट टाइप के अटैक होते हैं ये होते हैं पॉलिटिकल्स के लिए होते हैं, रिलीजियस मैसेजेस होते हैं, ओके, या सोशल मैसेजेस होते हैं, उसको प्रोपोगेट किया जाता है, ओके। तो ये सारे आपके जो है सोर्स हैं और ये सारी इंडस्ट्री हैं जिसके थ्रू की जिसमें की अटैक बेसिकली परफॉर्म होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ हैकिंग के लाइव मैप ओके स्लाइड पे मेंशन किए हुए हैं, तो आई विल डेमोंस्ट्रेट यू, राइट, जस्ट वेट। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइव मैप की अटैक रियल पे किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, राइट, ओके, तो मैंने अटैक की कुछ यहाँ पे वेबसाइट देखी, ओके, ये किस टाइप से अटैकिंग की एक कंट्री सेकंड कंट्री से किस टाइप से मैसेजेस ट्रांसफर करके उन पे अटैक कर पा रही है, ओके। तो गाइस मैं एक और यहाँ पे वेबसाइट ओपन करता हूँ, ओके, ओके, एक थ्रेड पॉइंट चेक पॉइंट एक कंपनी है बेसिकली, चेक पॉइंट जो कि आपके जितने भी डिवाइसेस है नेटवर्किंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को वो मैन्युफैक्चर करती है, राइट। तो ये कंपनी में आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि कितने अटैक परफॉर्म हो रहे हैं, अटैक्स ऑन दिस डे, ओके, कितने अटैक्स, बेसिकली देखो इंडिया पे अटैक हो रहा है, चाइना से अटैक हो रहा है, यू कैन सी, ओके, आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, मीन्स ये आपको किस तरीके से विजुअलाइज कर रहा है, इसकी डिवाइसेस जो चेक पॉइंट की डिवाइसेस हैं वो ओके लगी हुई है, राइट, हर एक कंट्री पे, एक कंट्री से सेकंड कंट्री पे, मतलब जो भी कम्युनिकेशन से बेसिकली वो नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ओके, तो उनकी डिवाइस जो वहां पर प्लेस्ड हैं वो उसके थ्रू जो ट्रैफिक पास हो रहा है उसको डिटरमाइंड करके यहाँ पे हमें ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप के ट्रैफिक हमारे पास एक कंट्री से सेकंड कंट्री पे सेंड हो रहे हैं। जैसे कि हर एक कंट्री सेकंड कंट्री से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, आई थिंक यू नो अबाउट कि सबमरीन केबल मैप में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कनेक्टेड है। आप यदि इस केबल मैप में जाके देखेंगे तो यू कैन सी हियर, ओके, सबमरीन केबल्स होती हैं जिसके थ्रू की क्या कि हर एक कंट्री सेकंड कंट्री के थ्रू कनेक्टेड है, ओके, जब भी तो हम यहाँ से यदि यूके भी कॉल करेंगे या मैं सेकंड कंट्री पे कॉल करूंगा तो वो कॉल पॉसिबल हो पाएगा, जब हम यूएस के सर्वर्स इंडिया से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये सारा एक मैप है और इस मैप पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है ये केबल्स हैं, राइट, और ये हमारे पास ये ओके सी है अरब, ओके सी है, ओके, तो यहाँ पास मुंबई वाला मेरे पास पोर्शन होगा, राइट, मुंबई है, मुंबई पे हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे मल्टीपल बैंडर्स की केबल्स गई हुई है, राइट, जैसे कि BSNL है, रिलायंस है, टाटा है, ओके, इन सब की केबल्स एक कंट्री से सेकेंड कंट्री तक इस तरीके से, ओके, तो मेरे पास मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइसेस लगी होंगी, राइट, जो कि मेरे डेटा के ट्रैफिक को मैनेज करती होंगी कि मुझे किस तरीके से ट्रैफिक को इस कंट्री से सेकंड कंट्री तक सेंड करना है। तो उस ट्रैफिक के एनालिसिस के बेसिस पे ओके हमें ये ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस कंट्री पे कौन कौन से अटैक्स हो रहे हैं, ओके, लाइव अटैक मुझे इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो गाइस आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अटैक्स अभी बेसिकली परफॉर्म हो रहे हैं, ओके। तो ये कुछ हम लोगों ने मैप देखा, ओके, आप भी इन मैप को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ओके, आप ये सेम यूआरएल टाइप करेंगे आपके ब्राउजर पे,
ओपन हो जाएंगे, फिर आप इसमें डीप डीप देख सकते हैं, सारा एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मैंने आपको ओके बेसिकली जब भी कोई अटैकर अटैक करता है, ओके जब भी कोई अटैकर यदि अटैक करेगा तो उसके अटैक क्यों करेगा, राइट। यदि सपोज मुझे किसी के सिस्टम को हैक करना है, राइट, ओके तो जैसे कि मैं बहुत टाइम जब हैकिंग के सेमिनार या वर्कशॉप लेते हैं तो लोग बोलते हैं हमें फेसबुक आईडी हैक करनी है, ओके हमें इंस्टा हैक करना है, किसी के इंस्टा का पासवर्ड हमें चाहिए। मीन्स यदि मुझे अटैक करना है तो मेरे पास कुछ ना कुछ मोटिव होगा। क्या मोटिव है? कि मुझे इंस्टा का पासवर्ड चाहिए, मुझे फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, ओके कि जो मेरे फ्रेंड हैं उसका मुझे फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, ये मेरा मोटिव है कि मुझे फेसबुक का पासवर्ड चाहिए। अब मोटिव कब फुलफिल होगा? जब हमारे पास कोई ना कोई मेथड होगी, ओके और मेथड कब वर्क करेगी? जब कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगी सामने वाले पे, ओके जिससे हम अटैक करने वाले हैं, राइट। तो ये बेसिकली अटैक करने के ये ऑब्जेक्टिव है, राइट, कि अटैक कब परफॉर्म होगा? जब मेरा कोई मोटिव होगा, मेथड होगी, ओके मोटिव अकेला भी ओनली कुछ नहीं वर्क करेगा, राइट। यदि मुझे किसी के अकाउंट हैक करना है तो वो ऐसे ही हैक नहीं हो जाएगा, ऐसे वो अटैक वर्क नहीं करेगा जब तक कि कोई ना कोई मेथड नहीं होगी, मेथड से कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगी जब वो अटैक पॉसिबल हो पाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, एक मेथड बनाई कि अटैक क्यों परफॉर्म होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है, राइट। अब उससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। अब मोटिव बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं? यदि हम मोटिव की बात करें तो इन्फॉर्मेशन थीफ, जो कि मैंने बोला कि आपको पासवर्ड किसी का लेना है, राइट, मुझे फेसबुक का पासवर्ड चाहिए, ओके और ये बहुत ज्यादा होता है, राइट। यदि आप जब भी, जैसे कि मैं जब भी हैकिंग का वर्कशॉप दो तो लोग ओके फेसबुक का पासवर्ड से कैसे हैक करना है, ओके यही चीज सबसे ज्यादा होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन थीफ के लिए, ओके मैनुपुलेट डेटा को मैनुपुलेट करने के लिए, जो रिकॉर्ड है उसको मैनुपुलेट आपको करना है, ओके सपोज रिकॉर्ड और कुछ है, सपोज मेरा कॉलेज है उसने अटेंडेंस मेरी कम कर दी है, राइट, ओके तो क्या होगा कि आप उसके सिस्टम हैक करके उसके अटेंडेंस को क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस आपकी थी 10%, आप 100%, ओके कि डेटा को मैनुपुलेट करना, ओके जस्ट लाइक एस एग्जांपल, आप इसे रियल पे अप्लाई ना करें, ओके टेकिंग रिवेंज, किसी से बदला निकालना कि उसने तो मेरे साथ ये किया हुआ था, मैं देखता हूँ उसका फेसबुक अकाउंट को हैक करके और फिर बताता हूँ उसको, ओके प्रोपोगेटिंग रिलीजियस, ओके रिलीजियस मैसेजेस को प्रोपोगेट करने के लिए, राइट, उसके लिए भी बेसिकली अटैक्स यूज होते हैं, ओके अटैक किए जाते हैं, राइट। तो अटैक करने का मोटिव गाइस, डिपेंड ऑन अटैकर, डिपेंड ऑन सिनेरियो, ओके ये सब चीज डिपेंड ऑन सिनेरियो है, राइट, कि इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा कि आपका अटैक करने का मोटिव क्या है। अब मेथड्स कौन कौन सी हैं? तो मैंने मेथड्स, ओके मेथड्स मैंने यहाँ पे फुल तो नहीं लिखी हुई है, मोटिव हम लोगों ने ये देखा, मेथड्स कौन कौन सी हैं, ओके तो सबसे अभी के टाइम पे जो यदि मैं बोलूँ कि 80% या 70% जो अटैक्स होते हैं, ओके जिसमें कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉस कर जाते हैं, राइट, किसी भी रीजन से, तो वो आपके फिशिंग अटैक होते हैं, ओके फिशिंग अटैक गई सबसे इजिएस्ट अटैक होता है वर्ल्ड वाइड, ओके तो जस्ट आप पे कोई लिंक सेंड कर देता है कि ओके समबडी टॉक विथ यू, ओके आपने किसी, आपके पास किसी का मैसेज आया हुआ है, ओके आपके पास आप उसमें क्लिक करेंगे, आपने जैसे पासवर्ड डालेंगे, राइट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। सिमिलर जो कि अभी हम लोगों ने फेसबुक के केस पे देखा हुआ था, ओके ये हमारे पास जो फिशिंग अटैक था, ओके गाइस ये फिशिंग अटैक है, ओके फिशिंग, ओके ये रियल फेसबुक की वेबसाइट नहीं है, ये फेक वेबसाइट है, और यदि इसमें कोई ओके कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड लाइक दिस, ओके ये करेगा तो उसके क्या होगा, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अटैकर के पास बेसिकली चले जाएगी, log.txt, ओके ये देखिए ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ओके तो इस टाइप के फिशिंग अटैक होते हैं। फिशिंग अटैक का जो शिकार है वो कौन बेसिकली होता है? जिसको कम नॉलेज होता है, राइट, ओके जो कि उनको पता नहीं होती कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और किस तरीके से अटैक बेसिकली परफॉर्म होते हैं, कोई हमारा डेटा को थीफ भी कर सकता है, कोई पासवर्ड भी हम लोगों का ब्रेक कर पाएगा, तो यदि आपको लैक ऑफ नॉलेज है तो उस केस पे फिशिंग अटैक वर्क करता है, और मेजरली केस पे फिशिंग अटैक वर्क करता है, आपके पास कोई लिंक आता है, आप उसमें क्लिक करते हैं, और अभी के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा आपके पास व्हाट्सएप पे नंबर ऑफ मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, राइट, 100 मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, राइट, उसमें आपके पास लिंक होगी कि आप इस पे क्लिक करें, इसको सब्सक्राइब करें, राइट, तो आपको
आपको इस टाइप के आपको रिसीव होते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करें उसका सोर्स आप देख लें कि वो लिंक का सोर्स क्या है। उसके बाद जस्ट मैं ऐसा नहीं बोला कि आप उस लिंक पे क्लिक ही ना करें आपके पास जो लिंक रिसीव होती है, ओके। लेकिन जब भी लिंक को क्लिक करें तो जैसे कि ओके, यदि मैं रियल फेसबुक की वेबसाइट को ओपन करता हूँ गाइस, तो आप यहाँ पे देखिए facebook.com, तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर लॉक का सिंबल आ रहा है। ओके, सिंबल के साथ आप देखिए यहाँ पर https लिखाना हुआ है, ओके। और यहाँ पे मेरे पास पूरा फेसबुक का यूआरएल है, ओके, facebook.com। यदि आपके पास कोई रिक्वेस्ट करता है सपोज इस तरीके से www और फेस, इस तरीके से आपके पास कोई मैसेज आया, आप ये देखिए यहाँ पे ओ है और ये 00 है, ठीक है। तो आपको, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे आई है, ओके। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपके पास जो लिंक रिसीव हुई है वो लिंक जेन्युइन है या नहीं है, ओके। यदि उस पे https है, उसका डोमेन नेम एग्जैक्ट है जो कि रियल डोमेन नेम है, तो आप उसमें क्लिक करके, वो ट्रस्टेड साइट है। यदि आपका जो URL है उस पर सपोज https नहीं है, तो ये 50% चांस हो सकते हैं, ओके, 80% चांस हो सकते हैं। यदि https नहीं है तो मतलब वो फेक वेबसाइट है, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसका डोमेन को केयरफुली रीड करें कि उसका डोमेन लिखा क्या हुआ है, ओके। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे कि यदि मैं यहाँ पर cc कर दूं, राइट, तो फेसबुक तो मेरा चेंज हो गया, तो लोग क्या है कि fa बस रीड करते हैं, सामने का मैंने अभी फेसबुक है ओनली, मैंने ये रीड किया और लिंक पे क्लिक कर दी। तो हम जब भी लिंक पे क्लिक करें तो एक बार देखने कि हम किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, ओके। तो फिशिंग अटैक के थ्रू बेसिकली काफी सारे ओके अटैक्स परफॉर्म होते हैं। वायरसेस एंड मैलिशियस कोड, ओके, वायरस और मैलिशियस कोड भी फिशिंग के थ्रू ही सेंड किए जाते हैं। यदि मुझे किसी के सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करना है, ओके, इसे एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, राइट, किसी के सिस्टम पे, सपोज मैंने आपको कोड बना के दिया, आपने उस कोड पे क्लिक किया, आपका सिस्टम ही, आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा उड़ गया, राइट, करप्ट हो गया पूरा, ओके। तो मैलिशियस कोड भी लिखता है अटैकर, और उस कोड के थ्रू क्या करता है, आपके सिस्टम पर एक मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा, मैलिशियस कोड रहेगा। अब वो डिपेंड कि उसने कोड को किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, उस कोड किससे बना हुआ कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, या वो कोड इसलिए है, गाइस म्यूट कर लें, राइट, अनम्यूट ना करें, ओके ओके, डिपेंड ऑन कि आपने किसके लिए वो कोड बनाया हुआ है। तो अटैकर बेसिकली यदि लैंग्वेज पर एक्सपर्ट है, ओके, तो वो कुछ मैलिशियस कोड बना के भी आप पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ओके गाइस। सेकेंड है कुकीज थीफ होती है, ओके। हमारे ब्राउजर पे आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, आप वेबसाइट में विजिट करते हैं, तो बोलते हैं कि जो मेरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है वो आपके वेब ब्राउजर पर सेव की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि कि आपके यूजर के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, ओके। अब भी आपने चीज देखी होगी कि यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है, राइट, आप नेट से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन आपने पहले फेसबुक ऐप पे कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, तो वो वीडियो इंटरनेट ऑफ होने के बाद भी ब्राउज होंगे, ओके? वो वीडियो प्रॉपर आपके वर्क करेंगे, मींस वो वीडियो आपके लोकल डिवाइस पे आके सेव हो चुके हैं, वो डायरेक्ट इंटरनेट से नहीं चलता है। तो कुछ कुकीज होती हैं सिमिलर, जिस तरीके से यूजर नेम, जिस तरीके से वो वीडियोस जो कि इंटरनेट पर थे और वो इंटरनेट से आपके डिवाइस में आके सेव हो गए, सिमिलर जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सर्वर पर ना हो आपके ऑन डिवाइस पे आके सेव हो जाती है, ओके। यूजर नेम पासवर्ड, राइट, आपने देखा भी होगा कभी कभी आपको पासवर्ड नहीं डालना होता है, आप जस्ट facebook.com लिखा, ने पासवर्ड को सेव किया हुआ था, पासवर्ड आपका मतलब बिना ऑथेंटिकेशन की डिवाइस लॉग इन होगी, ओके। मीन्स कुछ कुकीज फाइल होती हैं जो कि आपके ब्राउजर पर सेव की जाते हैं। यदि मैं क्या करूं कि इन कुकीज को मैं क्या करूं, कॉपी करके अपने लैपटॉप पे कॉपी कर लूं, राइट, तो उसके थ्रू भी मैं आपकी जो भी अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ, राइट, मतलब कुकीज थीफ अटैक होता है, ओके, उसके थ्रू भी हम अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। डॉस अटैक होता है गाइस, डॉस अटैक और डीडॉस अटैक होते हैं। डॉस अटैक का बेसिकली मोटिव क्या होता है, ठीक है, यस गाइस, जिसको जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क, ओके, एट द एंड ऑफ सेमिनार, राइट। जो डॉस अटैक होते हैं, अब डॉस अटैक किस तरीके से बेसिकली वर्क करते हैं, तो मैं डॉस अटैक के लिए क्या करता हूँ कि आपको ब्राउजर पर डॉस अटैक मैंने ये टाइप किया गया, मेरे पास अभी कोई वो नहीं है,
यहाँ पे मेरे पास कहते हैं पिक्चर्स जाएंगे, पिक्चर्स पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा पिक्चर है, ओके। इसमें डॉस और डीडॉस का एग्जांपल है, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ओके राइट। एक सिंगल पीसी है और ये मेरे पास एक सर्वर है, राइट। तो डॉस अटैक इज बहुत डेंजरस अटैक है, राइट राइट। फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी जो वेबसाइट्स हैं, राइट, फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी जो वेबसाइट है उनको भी डाउन कर दी गई थी, ओके, डॉस अटैक के रीजन से। कि एज यू नो अबाउट की जो अमेजोन वेबसाइट है वो हर एक मिनट पे 25,000 आइटम को सेल करता है, 25,000 आइटम्स को सेंड करता है। यदि उसकी वेबसाइट एक मिनट के लिए भी डाउन होती है या 10 मिनट के लिए भी, यदि मैं इसका एक और एग्जाम्पल देखें, तो आज आप पेटीएम या जो भी ई वॉलेट है आप वो यूज क्यों करते हैं, ओके आप ई वॉलेट यूज क्यों करते हैं, कैसे रिलायबल है, ओके रिलायबल किस तरीके से कि यदि आप, ओके आधी रात को भी यदि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा गाइस। यदि आप पेटीएम से किसी को कुछ पैसे को, ओके 12 o'clock, ओके नाइट पे भी सेंड करेंगे तो हो जाएगा, ओके मतलब 24/7 सर्विस आपको वो प्रोवाइड बेसिकली कर रहे हैं। तो डॉस अटैक के थ्रू अटैकर बेसिकली क्या करता है, उसके जो जेन्युइन सर्वर्स होते हैं उन सर्वर्स पर अनवांटेड पैकेट्स को सेंड करता है। मीन्स कि एक सर्वर है, इस सर्वर कैपेबल है कि ये एट ए टाइम 10 लोगों को रिस्पॉन्स कर सकता है, ओके ये 10 से प्लस को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अब ये जो पीसी है इसने इसका रैंडम रिक्वेस्ट को सेंड की, इसने रैंडम रिक्वेस्ट को सेंड की, इसके पास कुछ भी काम नहीं है, राइट, इसलिए जस्ट फेक रिक्वेस्ट उसके पास सेंड कर रहा है, ओके। जब ये फेक रिक्वेस्ट को ये पीसी इस सर्वर के पास सेंड कर रहा है तो ये सर्वर है ये इंगेज हो जाएगा, ये बिजी हो जाएगा इसको रिस्पॉन्स करने के लिए। अब मेरे पास जो अदर्स, मेरे पास जो पीसीस होंगे, अदर्स मशीन्स होंगी, अदर्स जो क्लाइंट होंगे, वो ट्राई करेंगे कि वो इस तक रिचेबल हो पाए, तो वो रिचेबल हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर देखो आपके पास गोल सिंबल आता है, राइट, राउंड राउंड ही घूम ही रहा है, राइट, वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। ओपन क्यों होगी भाई, क्योंकि उस पर डॉस अटैक है, उसमें ट्राफिक बहुत ज्यादा है, सर्वर ट्राफिक को रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो डॉस अटैक के थ्रू, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं, इसके थ्रू आप सर्वर को इंगेज कर देते हो कि वो पर्टिकुलर, ओके, बिजी हो जाए किसी दूसरे टास्क पर, कि वो दूसरे यूजर्स को रिस्पॉन्स ना कर पाए, जो कि लेजिटिमेट यूजर हैं, जो कि जेन्युइन यूजर्स को रिस्पॉन्स ना कर पाए, ओके। तो उसको बोलते हैं डॉस अटैक। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसका मीनिंग ये है कि मल्टीपल पीसी मिलके एक सिंगल सर्वर पर अटैक करते हैं, ओके। अब इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि सिंगल पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है फेक रिक्वेस्ट के साथ, इसकी कैपेबिलिटी है 10 लोगों को रिस्पॉन्स करने की। अब लेकिन मैं यहाँ पे 10 पीसी लगा दूं और 10 पीसी लगाने के बाद सबको बोलूं, सब पे एक टूल इंस्टॉल कर दूं, वो इससे रैंडम रिक्वेस्ट करें, बार बार रिक्वेस्ट करें, तो वो रिक्वेस्ट क्या होगा भाई, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्स इनको करने में इंगेज हो जाएगा और जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमने मल्टीपल पीसी के थ्रू में एक सिंगल सर्वर पर अटैक परफॉर्म करा, मल्टीपल पीसी के थ्रू एक सिंगल सर्वर पर मैं रैंडम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा, इट्स कॉल्ड, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ओके। और यदि मैं सिंगल पीसी के थ्रू, एक सिंगल मशीन के थ्रू, किसी टूल के थ्रू एक सर्वर पर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा, तो इट्स कॉल्ड डॉस अटैक, ओके। इसके टूल्स होते हैं गाइस, काली लिनक्स, यदि आप देखेंगे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं, ये काली है, ओके, आप काली इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, एक काली का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है। काली पे काफी सारे टूल्स होते हैं डॉस अटैक के लिए, ओके, तो आई विल नॉट गिव यू एग्जांपल, ओके, फॉर दैट, इस पे टूल्स हैं, टूल्स नहीं भी हैं तो आप इसमें टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लगते, राइट, काफी सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं, लाइक हल्क है, ओके, हल्क एक टूल होता है जिसके थ्रू आप डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे काफी सारे टूल्स हैं, ओके, 500+ टूल्स हैं डॉस अटैक परफॉर्म करने के, जिसके थ्रू क्या डॉस अटैक, अटैकर डॉस अटैक परफॉर्म करता है, राइट। और डीएनएस स्पूफिंग अटैक भी होते हैं, डीएनएस स्पूफिंग अटैक थोड़ा सा किस तरीके से, एज ए नो अबाउट डीएनएस, ओके, डीएनएस किस तरीके से वर्क करता है, यदि मैं यहाँ पे वर्क करूँ डीएनएस स्पूफिंग, ओके, जस्ट लाइक, राइट, ये मेरे पास डीएनएस स्पूफिंग अटैक, राइट, ये मेरे पास क्या एक क्लाइंट है, एक मेरे पास डीएनएस सर्वर है, ये अटैकर है, राइट, ये मेरे पास गाइस सिनेरियो है, राइट, एक क्लाइंट है, तो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ आपको डीएनएस स्पूफिंग अटैक, ओके, अंडरस्टैंड, ओके, मैं आपको समझा पाऊँ,
ओके, जैसे कि डीएनएस और जो मैं आपको चीजें आज डेमोस्ट्रेट कर रहा, ये आप कब कर पाएंगे? तो आपको पूरा हैज सर्वर जॉइन का द नॉलेज मीटिंग. होगा। हाँ सॉरी, प्लीज गाइस प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, आप डीएनएस या कोई भी अटैक कब परफॉर्म कर पाएंगे? जब आपके पास सर्वर का नॉलेज हो, आपने रेड हैट के सर्वर्स पढ़ा हो, क्योंकि कि डीएनएस क्या होता है, एक सर्वर होता है। सपोज मैंने वेबसाइट होस्टिंग की है, राइट, जो मैंने आपको फिशिंग पेज बना के दिखाया था, आप वो फिशिंग पेज कब बना पाएंगे? जब आपने क्या किया हो, जब आपने किस तरीके से वेबसाइट को होस्ट करना है वो सीखा हो। हेलो, गाइस प्लीज म्यूट, आप अनम्यूट ना करें, राइट, सॉरी, म्यूट कर रहे हैं। राहुल राहुल, ठीक है, ओके। तो आप ये सब अटैक या इनके बारे में डीप डीप आप, अभिषेक, यस, 1 मिनट. गाइस, आप लोगों को जो भी डाउट है आप चैट विंडो पे शेयर करो. प्लीज अनम्यूट करके डिस्टर्ब मत करो क्लास को. आई एम आंसरिंग द क्वेश्चंस ओवर देयर. ओके, थैंक यू मैम। राइट गाइस, डीएनएस, राइट, आप ये डीएनएस सर्वर किस तरीके से वर्क करता है, अपाचे किस तरीके से वर्क करता है, हमने वेबसाइट होस्टिंग की हुई थी, राइट, वो किस तरीके से वर्क करता है, ये आप कब सीख पाएंगे ना, जब आपके पास नॉलेज होगा, आपने जब सर्वर्स की स्टडी की होगी, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पढ़े होंगे, आपने रेड हैट के सर्वर्स पे डील की होगी, तो दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड, ओके, कि डीएनएस सर्वर अपाचे सर्वर किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि जो डीएनएस सर्वर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके नेम को आईपी, फिर आईपी को नेम पर मैपिंग करने के लिए, ओके, बेसिकली डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हम जो ह्यूमंस बीइंग है बेसिकली वो नेम को आईपी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, राइट। यदि आज आपको 100 या तो मैं 10 वेबसाइट या 15 वेबसाइट के नाम आपको इजीली याद होंगे, राइट, मेमोराइज होंगे, लेकिन क्या आपको 10 वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद है, राइट? आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, ओके, मेमोराइज नहीं है, ओके। तो वो रीजन क्या है कि इसी चीज को फुलफिल करने के लिए बेसिकली कि ह्यूमंस बीइंग की इजीली हम रीड कर पाए, ओके, हमारे अंडरस्टैंडेबल वे पे हो, उस केस के लिए हम एक डीएनएस सर्वर क्रिएट करते हैं जहाँ पे एंट्री होती है कि सपोज facebook.com की रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस आईपी एड्रेस से रिजॉल्व होगी, ओके। मतलब वो सब एंट्री आपके डीएनएस सर्वर के अंदर होती है कि आप facebook.com टाइप करोगे तो वो facebook.com, वो facebook.com के पास ही जाएगा कि दूसरी वेबसाइट के पास बेसिकली वो रिक्वेस्ट जाने वाली है, ओके, इट्स कॉल्ड डीएनएस स्पूफिंग। तो अटैकर करता क्या है कि डीएनएस की एंट्री चेंज कर देता है। उसने क्या एंट्री चेंज की कि सपोज जब भी कोई facebook.com टाइप facebook.com, ओके, बेसिकली विजिट करेगा, तो facebook.com जब भी वो विजिट करेगा वाले केस पे क्या होगा ना कि facebook.com के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, जो मेरी फेक वेबसाइट है, जो मैंने फेक वेबसाइट बनाई हुई है, ओके, उस वेबसाइट के पास वो रिक्वेस्ट आने वाली है, ओके। तो डीएनएस की एंट्री को क्या करना, इंजेक्ट कर देना, डीएनएस सर्वर पर फेक एंट्री, ओके, ऐड कर देना, इट्स कॉल्ड डीएनएस स्पूफिंग अटैक, ओके। डीएनएस स्पूफिंग अटैक कि सपोज आप facebook.com ही टाइप करेंगे, ओके, facebook.com ही टाइप करेंगे लेकिन वेबसाइट दूसरी ओपन होगी, वेबसाइट मेरी फेक वेबसाइट ओपन होगी, ओके। एज यू नो अबाउट, यदि आप यहाँ भी देखें, मैं सीएमडी ओपन करूँ यहाँ पे, यदि मैं आईपी कॉन्फिग कमांड इस तरीके से फायर करूँ तो यू कैन आई थिंक सी मैं वायरलेस अडाप्टर से कनेक्टेड हूँ, ओके, यहाँ मुझे डीएनएस एंट्रीज बेसिकली नहीं दिख रही है, ओके, लेकिन हर एक सिस्टम पे डीएनएस एंट्रीज होती हैं, तो अभी जिस भी सिस्टम से कनेक्टेड हूँ वही मेरा डीएनएस सर्वर होगा। तो वन मोर थिंग, एनसीपीए, ओके, यू कैन सी हियर कि डीएनएस एड्रेस मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा, ओके, जस्ट फॉर डोमेस्टिकेशन पर्पस गाइस, यू कैन सी हियर, ओके। तो ये मेरा डीएनएस सर्वर का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जिस मशीन से कनेक्टेड हूँ वो मेरा डीएनएस सर्वर होगा, राइट। तो डीएनएस सर्वर पर यदि मैं कुछ फेक एंट्री परफॉर्म करूँ तो हम वहाँ पे डीएनएस स्पूफिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है गाइस। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक किस तरीके से वर्क करता है, यदि किसी भी वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है तो ही एसक्यूएल इंजेक्शन आपका परफॉर्म होगा। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बेसिकली रेडी किया हुआ है, ये जो वेबसाइट है आप इसमें विजिट कर सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं, ओके, डेमो डॉट टेस्ट फायर डॉट नेट, ओके, एक एक डमी वेबसाइट है जो कि आईबीएम ने क्रिएट की हुई थी, राइट। आईबीएम ने इस वेबसाइट को क्रिएट की, इसका मोटिव ये है कि आप सिक्योरिटी टेस्टिंग कर पाए, ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग कर पाए। एज यू नो कि जब भी हमें लॉग इन करना होता है, राइट, यदि मुझे बैंक पे लॉग इन करना होगा
तो मुझे किस चीज की नीड पड़ेगी, मुझे एक आईडी और एक पासवर्ड की नीड होगी। लेकिन गाइस बिना आईडी पासवर्ड के भी हम लॉगिन कर सकते हैं, बिना आईडी पासवर्ड के भी यदि किसी भी वेबसाइट पर सिक्योरिटी की एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है तो उस केस में उसमें बिना यूजर नेम पासवर्ड के भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे वो करके दिखा रहा हूँ। ओके मैंने यहाँ पे वन टाइप किया, मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेरी टाइप करने वाला हूँ, राइट, वन इक्वल लाइक दिस। मैंने ये इस तरीके से क्वेरी टाइप की, ओके यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट टाइप किया जो कि हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मैंने स्टेटमेंट टाइप किया, मैं ऐसे लॉग इन कर रहा, राइट, ये मेरे पास इस टाइप का यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता है, राइट, ये मैंने रिटर्न किया, देखिए हेलो एडमिन यूजर। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये डमी वेबसाइट है, ये रियल वेबसाइट नहीं, डमी वेबसाइट है, ठीक है। तो देखिए इसका अकाउंट ओपन हो गया। मैंने अकाउंट ओपन करने के लिए कोई एडमिन यूजर या मैंने कोई पासवर्ड यूज नहीं किया है, मैंने ऐसे कुछ नंबर्स यूज किए हैं जो कि हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं। वन इक्वल मैंने यहाँ पे और वन इक्वल वन, मैंने ये स्टेटमेंट गाइस बेसिकली यूज किया था, ये मैंने यूज किया था। ओके ये जो हमारे पास क्वेरी है ये हमेशा ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करती है। ओके तो यदि किसी वेबसाइट पर एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है तो हम उसमें बिना यूजर नेम पासवर्ड के भी लॉग इन कर सकते हैं। ओके हमें उसके लिए कुछ क्वेरी टाइप करना पड़ेगा उसके, राइट, डिपेंड ऑन वेबसाइट की उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है। तो यदि किसी वेबसाइट में एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी होती है तो हम क्या कर पाएंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला टॉपिक है, इसके लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल होते हैं गाइस। एक्चुअली हमारे पास मेरा टाइम नहीं है कि हम पूरा टूल्स भी देख पाए। एक एसक्यूएल मैप हमारे पास एक टूल होता है। ओके इस टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना कि एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एसक्यूएल मैप। ओके एक काली पे आपको इनबिल्ड मिल जाएगा, यदि जो भी काली लिनक्स से फैमिलियर है वो ये अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ओके सेकेंड जो बहुत डेंजरस अटैक है वो है की लॉगर। की लॉगर्स, यदि की लॉगर्स किस टाइप से वर्क करते हैं, यदि हम की लॉगर्स की बात करें, ओके जस्ट पे, ओके यदि हम की लॉगर्स की बात करें, ओके तो मैं यहाँ पे जस्ट की लॉगर टाइप कर रहा हूँ। ओके की लॉगर मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने की लॉगर यहाँ पे टाइप किया, तो यू कैन सी की लॉगर्स हमारे पास होते हैं। ओके जस्ट वेट गाइस, की लॉगर्स हमारे पास हार्डवेयर की लॉगर्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर की लॉगर्स भी होते हैं। ओके तो जो हार्डवेयर, ओके जो हमारे पास हार्डवेयर की लॉगर्स होते हैं बेसिकली वो इस टाइप से होते हैं, राइट राइट, इस टाइप से हमारे पास की लॉगर्स होते हैं। तो हम इसे इजीली अपने हार्डवेयर डिवाइस में लगा के क्या कर सकते हैं कि जो भी वो टाइप करेगा, राइट, उस टाइप की इंफॉर्मेशन बेसिकली इस की लॉगर पर जाकर स्टोर होते जाएगी, राइट। हमारे पास सॉफ्टवेयर की लॉगर्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने मेरे पास ऑलरेडी एक की लॉगर इंस्टॉल्ड है। ओके एक की लॉगर मेरे पास इंस्टॉल है, राइट, ये मेरे पास की लॉगर्स है, राइट, तो मैं इसको अभी स्टार्ट कर दे रहा गाइस। देखिए मैंने स्टार्ट किया की लॉगर्स को, और की लॉगर स्टार्ट करने के बाद मैं क्या वेब ब्राउजर पे जा रहा, और वेब ब्राउजर पे जाने के बाद मैं सपोज यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा, मैंने गूगल टाइप किया, ठीक है, गूगल के बाद सपोज मैं यहाँ पे फेसबुक टाइप कर दे रहा, फेसबुक मैंने टाइप किया, और फेसबुक टाइप करने के बाद जो फेसबुक का ये पेज ओपन होगा, मैं यहाँ पर कुछ भी मैंने एंट्री टाइप कर दी। अब ये मेरे पास कोई फिशिंग नहीं है, रियल वाला फेसबुक मेरे पास आया था। ओके ये मैंने कुछ रैंडम स्ट्रिंग टाइप की, लॉगिन किया है, लॉगिन तो नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देखेंगे जो जो मैंने टाइप किया था वो सारी इंफॉर्मेशन ने कैप्चर कर लिया। देखिए आप यहाँ पर मैंने गूगल टाइप किया था, फेसबुक टाइप किया था, और फेसबुक के अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है, और यूजर नेम पासवर्ड मैंने क्या यूज किया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को भी कैप्चर इसने कर लिया। कैप्चर क्यों कर लिया, क्योंकि कि हमारे पास इसमें ऑलरेडी की लॉगर मेरी इस मशीन पर इंस्टॉल है, और की लॉगर को मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे पास मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूंगा अपनी मशीन से, मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन एक की लॉगर, ओके हाँ, अपने पास स्टोर बेसिकली करते जाएगा। तो इस तरीके से की लॉगर्स वर्क करते हैं। तो आप याद रखें, आप जब भी की लॉगर्स, ओके आप किसी के लैपटॉप पे कोई अकाउंट को ओपन ना करें, राइट, मे बी उस पर की लॉगर इंस्टॉल हो सकता है, और आप जो भी कुछ की टाइप करेंगे वो की सारी उसमें स्टोर होते जाएंगी, राइट, और
उसके बाद अटैकर इजीली आपके जनरल पासवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो की लॉगर्स आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और की अटैकर इस तरीके से यूज करता है बेसिकली, और की लॉगर अपने आपको हाइड कर लेते हैं, ये सो नहीं होंगे किसी को, राइट? मुझे कहीं आइकन डिस्प्ले नहीं होगा की लॉगर्स है, ओके? मुझे कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, ओके? इसके लिए शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स के थ्रू आप इन की लॉगर्स को ओपन कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक हमारे पास होता है, ब्रूट फोर्सिंग अटैक हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रूट फोर्सिंग अटैक इन द सेंस कि मुझे जब भी किसी वेबसाइट पे अटैक परफॉर्म करना होता है, सपोज मेरे पास यही एक वेबसाइट है, यदि इस वेबसाइट में मुझे मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड होकर है तो ही मैं इसमें लॉग इन कर सकता हूँ। तो मैं एक लिस्ट तैयार करूंगा यूजर नेम पासवर्ड की, और ओके मेरे पास दो ऑप्शन है नीचे, तो मैं यूजर नेम पासवर्ड वन बाय तरीके से लॉग इन करके ट्राई करूँ, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं यूजर नेम की और पासवर्ड की एक लिस्ट तैयार कर दूं, और उस लिस्ट के थ्रू मैं इस पर गाइस म्यूट कर लें, उस लिस्ट के थ्रू मैं अटैक परफॉर्म करूं पर्टिकुलर, ओके? उस लिस्ट में जो पासवर्ड होंगे उन पासवर्ड को वन बाय वन मैं अप्लाई करूं, और अप्लाई करने के बाद क्या होगा राइट कि हम उसका पासवर्ड बेसिकली ब्रेक कर पाएंगे। तो हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था, जस्ट मैं आपको इसका क्विक रिव्यू दे देगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास है कि यहाँ पे मेरे पास एक रेड हैट की मशीन अवेलेबल है, और इस मशीन पे मेरे पास बेसिकली क्या है ना कि एक ओएस इंस्टॉल है, राइट? रेड हैट इंस्टॉल है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो 178 है, 192.168.43.178। तो अटैकर क्या करता है ना कि इस पे कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल के थ्रू बेसिकली वो अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं एनमैप के थ्रू अटैकर क्या करेगा, एनमैप के थ्रू ट्राई करेगा कि वो स्कैन कर पाए, ओके? एनमैप के थ्रू वो ट्राई करेगा कि वो स्कैन कर पाए, जैसे कि 178, ओके? एनमैप वो एनमैप था, राइट? वो गलत स्पेलिंग हुई, एनमैप, ओके? एनमैप के थ्रू अटैकर स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद यदि इस ओके किसी भी वेबसाइट में किसी भी सर्वर्स पर कुछ भी लूपहोल्स होते हैं तो उसके थ्रू वो ओके पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है, ओके? सपोज यहाँ पे SSH की सर्विस इनेबल है, तो SSH करके यदि वो ट्राई करेगा कि उसको यहाँ पे लॉग इन करना है 178, तो उससे यूजर नेम पासवर्ड बेसिकली पूछेगा। अब यदि मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता है तो उस केस पे अटैक हाइड्रा, हमारे पास एक टूल होता है, और इस हाइड्रा टूल के थ्रू वो पासवर्ड ब्रेकिंग का अटैक बेसिकली परफॉर्म करते हैं, ओके? तो आप इस एक बार ट्राई कर सकते हैं हाइड्रा अटैक के थ्रू किस तरीके से पासवर्ड को ब्रेक करना है, मींस अटैकर जो यहाँ पे अटैक यूज करता है वो उसका है ब्रूट फोर्सिंग करता है, ओके? ब्रूट फोर्सिंग अटैक के थ्रू वो पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम, ओके, टाइम इश्यू है, अदरवाइज मैं आपको और भी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करता, ओके? ये तो हमारे पास मेथड्स हो गए कि हम इतनी मेथड्स के थ्रू किसी भी सर्वर को हैक कर सकते हैं, राइट? किसी भी पीसी को बेसिकली हैक कर सकते हैं। अब सर्वर हैक हम बात करें कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है। गाइस प्लीज म्यूट कर लें, डोंट अनम्यूट अंजलि, ओके? वल्नरेबिलिटी बेसिकली क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी इन द सेंस कि किसी भी सिस्टम पे कुछ ना कुछ वीकनेस है, गाइस म्यूट कर लें, डोंट अनम्यूट सर, ओके? इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस व्हिच कैन बी एक्सप्लॉइटेड वाया थ्रेट एक्टर सच एज एन अटैकर, ओके? जो वल्नरेबिलिटी इसलिए वीकनेस होती है, मतलब किसी भी कोड पर जो लॉजिकल एरर्स होती हैं, राइट, वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है। सपोज मैंने कोई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन खोली और सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के समय मैंने सारी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस थी वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस वहां पे परफॉर्म कर दिया, अनम्यूट ना करेंगे, ओके? उस केस पे ओके, तो वल्नरेबिलिटी बेसिकली वीकनेस होती है किसी भी सर्वर की या किसी भी एप्लीकेशन की, ओके? जस्ट वेट, राइट, ओके? यदि हम अटैकर्स की बात करें या हम हैकर्स की बात करें, तो हैकर्स बेसिकली होता है क्या है, ओके? तो हैकर्स बेसिकली, हैकर इज अ पर्सन हु फाइंड्स एंड एक्सप्लॉइट द वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम, ओके? जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की और कंप्यूटर नेटवर्क की ओके वीकनेस को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उस पर एक्सेस को गेन करता है, राइट, ओके? एक्सेस को गेन करता है, राइट? हैकर्स आर यूजुअली स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, ओके? बेसिकली जो हैकर्स होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है,
उसके पास जो नॉलेज होगा वो लैंग्वेजेस का भी नॉलेज होगा। लैंग्वेज गाइस म्यूट करना, राइट, अनम्यूट करेंगे तो क्लास कैसे चल पाएगी फिर, राइट। ओके मीन्स उसको नेटवर्किंग का भी नॉलेज होगा क्योंकि कि नेटवर्क भी स्कैन करना है। ओके लैंग्वेज का भी उसको बेसिक नॉलेज होगा, तो वो पर्टिकुलर पर्सन हैकर होता है। ओके तो यदि हम हैकर्स के टाइप की बात करें कि हैकर्स के टाइप क्या होते हैं, तो आपने बेसिकली व्हाइट हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स इस तरीके से सुने होंगे, राइट। तो जो हमारे पास इथिकल हैकर्स होता है, जिसमें व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं, राइट। ओके अ हैकर हु गेन्स एक्सेस टू सिस्टम्स विद अ व्यू टू फिक्स, ओके, जो भी हमारे पास वीकनेस है उसको फिक्स करने के लिए, राइट, जो आइडेंटिफाइड वीकनेस है उसको फिक्स करने के लिए बेसिकली व्हाइट हैट हैकर वर्क करता है। ये बेसिकली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी परफॉर्म करेगा, बग्स को भी एक्सप्लॉइट करेगा, और जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करके फिक्स भी करने के लिए व्हाइट हैट हैकर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म करेगा और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जिसके थ्रू की हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं और जो भी हमारे पास लूप होल्स हैं उसको एकदम फाइंड, अटैकर्स फाइंड करते हैं। ओके ब्लैक हैट हैकर, लाइक ब्लैक हैट हैकर, ओके, ये जो हैकर्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर, ओके, ये बेसिकली ऑथराइज एक्सेस आपके पीसी पे करते हैं। ओके ऑथराइज एक्सेस ये किसी की, ओके ऑथराइज मतलब आपके सिस्टम की, आपके बिना परमिशन के आपके सिस्टम को ट्राई करेंगे कि आपके सिस्टम को हैक कर पाए। ओके ओके इनके पर्सनल गेन के लिए, इनको कोई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कुछ भी नहीं करना है, सिक्योरिटी इनका मोटिव होता है कि पर्सनल गेन, सपोज मुझे पैसे अर्न करना है तो मैं किसी के सिस्टम को हैक करके या, ओके इनका जो मोटिव होता है वो इनलीगल मोटिव्स होता है, राइट। ओके द इंटेंट इज यूजली स्टील कॉर्पोरेट डेटा, ओके उनके जो सिक्योरिटी राइट्स है उसको वायलेट करना, उसके बाद ओके ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम बैंक अकाउंट, ओके आपके अकाउंट से, ओके बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करना, ओके इस टाइप के जो इनलीगल्स वर्क हैं वो बेसिकली ब्लैक हैट हैकर परफॉर्म करते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की सिक्योरिटी के लिए कि आपके सिस्टम को पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट करने के बाद उस पे जो भी बग्स हैं उसको फिक्स करना, व्हाइट हैट हैकर वर्क करेगा। ओके ब्लैक हैट हैकर, ओके अपने पर्सनल गेन के लिए क्या करते हैं, कॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन को, डेटा को, ओके चुराते हैं और उसको सपोज ओके डार्क वेब पर फिर सोल्ड आउट कर लेंगे। ग्रे आउट हैकर्स भी होते हैं, राइट, और जो ग्रे आउट ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ये इन बिटवीन होते हैं हमारे व्हाइट हैट हैकर के और ब्लू जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं इनके बिटवीन, मतलब दोनों तरीके से बेसिकली वर्क करते हैं। ये भी किसी अथॉरिटी के बिना परमिशंस के आपके सिस्टम को एक्सेस करते हैं, राइट, उसकी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इनका मोटिव आपके इंफॉर्मेशन को थीफ नहीं करना होता है। जो फ्रीलांसिंग हैकर्स होते हैं ना, सपोज कि मैं किसी नेटवर्क पर हैकिंग परफॉर्म करूं, यदि मुझे वहां पे कोई बग्स मिल जाता है तो मैं उस बग को उसकी जो अथॉरिटी है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं रिवील कर दूं कि मैंने आपके नेटवर्क को टेस्ट किया हुआ है, मैंने आपकी बिना परमिशंस के आपके नेटवर्क को टेस्ट किया था और टेस्टिंग करने के बाद मुझे आपके सिस्टम पे ये सारे बग्स मिले हैं, आप इन्हें फिक्स कर लें, अदरवाइज कोई भी हैकर्स आपके सिस्टम को हैक कर लेगा, राइट। तो जो भी मैंने बिना अथॉरिटी की जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस किया, ओके उनके सिस्टम को पेनिट्रेट किया और उनको ही मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि आपके सिस्टम पे कुछ लूप होल्स हैं, तो बेसिकली ग्रे हैट हैकर आपका इस तरीके से वर्क करता है। इसका जो इंटेंशन होता है इनलीगल वर्क करना नहीं होता है, जस्ट वीकनेस को आइडेंटिफाई करके और जो उसका ऑनर है उसको रिवील करना होता है। स्क्रिप्ट के भी हमारे पास स्क्रिप्ट टाइप के भी हैकर्स होते हैं, लाइक ये नॉन स्किल्ड हैकर हैं, ओके कि सपोज मुझे फेसबुक अकाउंट हैक करना है तो यूट्यूब पे वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसे कुछ टूल्स मिले, उन टूल को यूज करके वो ट्राई करता है कि ऑलरेडी जो मेड टूल्स हैं उन टूल के थ्रू वो ट्राई करेगा कि वो किसी अटैक को परफॉर्म कर पाए, लेकिन उसके बिहाइंड कौन से लॉजिक वर्क करते हैं उसको से कोई भी नॉलेज नहीं होता, मतलब उसका स्किल लेवल बहुत लो होता है, राइट, उसे कोई भी टेक्निकल स्किल्स उसके पास नहीं होती है। ओके जस्ट ऑलरेडी जो मेड हमारे पास टूल्स हैं उन टूल को एक्सेस करके और वो ट्राई करता है हैकिंग करने के लिए। हैक्टिविस्ट टाइप के हैकर्स होते हैं, हैक्टिविस्ट टाइप के जो हैकर्स होते हैं बेसिकली जो हमारे पास सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैसेजेस को प्रोपोगेट करते हैं, ओके
किसी भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करना, सपोज ISIS की किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करना, ओके कोई पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोपोगेट करना, कहीं पे भी पोस्ट करना, किसी वेबसाइट को हैक करना और अपना बैनर वहां पे लगा देना, ओके तो यूज नहीं करते हैं कि किसी वेबसाइट को हैक करके अपना जो मैसेजेस है वहां पे डिस्प्ले करवा देते हैं, नहीं कि जो भी उनका रिलीजियस जो पॉलिटिकल मैसेजेस है, तो वो हैक्टिव इस टाइप के हैकर्स कहलाते हैं, जो कि आपका सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मैसेज को प्रोपोगेट करते हैं, ओके यदि आप चाहते हैं कि आप इथिकल हैकिंग पे अपना करियर बनाए, एज अ करियर आप इथिकल हैकिंग देखते हैं, तो उस केस पे कुछ सर्टिफिकेशन हैं जो अभी हम लोगों ने चीजें पढ़ी है तो बहुत मिनिमम है, ओके जस्ट ये हैकिंग का ओके 1% हम बोल सकते हैं कि 1% है, लेकिन अभी आपने 99% अभी लैप किया हुआ है, 99% आपका अभी रिमेनिंग है, मीन्स अभी आप सोच भी नहीं सकते, टूल्स हमारे पास अवेलेबल इतने टेक्निक्स हैं, ओके 2200 के अराउंड हमारे पास हैकिंग के टूल एंड टेक्निक्स होती हैं, राइट 2200। तो अभी मैंने जैसे आपको मेथड्स में ओनली ओके 5 to 6 मेथड्स आपको बताए, राइट कि इन मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे और भी काफी सारी मेथड्स अवेलेबल्स होती हैं, उन मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हैकिंग बेसिकली परफॉर्म कर पाएंगे, आप पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो कुछ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है, इन सर्टिफिकेशन को करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर एज अ इथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर वर्क कर सकते हैं। जो मोस्ट ट्रेंडिंग सर्टिफिकेशन है आईटी इंडस्ट्री के वो है एसी काउंसिल के, जो है CEH सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ओके यदि आपको इस सर्टिफिकेशन को करना है तो बेसिकली एसी काउंसिल ये रिकमेंड करता है कि जब भी आपको CEH पे सर्टिफिकेशन करना है तो आपके पास मिनिमम कुछ आईटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपने उसकी ट्रेनिंग अटेंड की हो, या तो आपके पास ऑलरेडी कुछ सर्टिफिकेशन हो, लाइक आपने सिस्को पे ट्रेनिंग की हो, आपने रेड हैट पे ट्रेनिंग की हो, आपने कुछ लैंग्वेजेस पढ़ी हो, राइट आप उसके बाद यदि CEH करेंगे तो आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा, ओके आप किसी भी इंडस्ट्री पे जाएंगे तो आपको वो इजीली हायर कर लेगा, क्योंकि कि आपने नेटवर्किंग भी की है, आपने सर्वर्स भी किया है, आपको थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का भी नॉलेज है वन बिट, तो उस केस पे आप CEH सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स यदि आप चाहते हैं आपको CEH सर्टिफिकेशन करना है तो आपको नेटवर्किंग, लिनक्स और कोई भी एक लैंग्वेज, ओके PHP, पाइथन, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, और ये सब करने के बाद फिर देन आप CEH पर सर्टिफिकेशन करके और किसी भी कंपनी पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके तो आपके सर्टिफिकेशन का बिगिनर लेवल होता है सर्टिफाइड इथिकल हैकर। यदि आप इसके बाद एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन करेंगे, एक कोर सर्टिफिकेशन है, एडवांस सर्टिफिकेशन होता है ECSA, एसी काउंसिल सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट, ओके इसका एडवांस सर्टिफिकेशन है, और एक एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होता है RTP लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर या टेस्टिंग, ये एडवांस मास्टर लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। तो आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, ओके लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले गाइस आपको नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग सर्वर्स का, आप उसके बाद ही स्टार्ट करें, ओके और भी कुछ सर्टिफिकेशन है जो कि इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी के हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि बेसिकली काले लिनक्स को बनाया हुआ है, जो काले ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है, राइट तो आप उन्होंने भी कुछ सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं, आप उन सर्टिफिकेशन को भी करके और आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी पे बना सकते हैं, राइट तो जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जो सर्टिफिकेशन हैं वो ये सारे OSCP में भी, जो हैकिंग पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं उनको OSCP के बारे में पता होगा। हैंड्स ऑन सर्टिफिकेशन, गाइस अनम्यूट ना करें, राइट OSCP सर्टिफिकेशंस होते हैं, ओके उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल ओके ऑफेंसिव सिक्योरिटी वेब एक्सपर्ट, ओके ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड एक्सपर्ट और ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सप्लॉइटेशन एक्सपर्ट, ये सारे हायर लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं, राइट यदि आप ये सर्टिफिकेशन में से कोई एक सर्टिफिकेशन OSCP भी कर लेंगे तो आपकी जॉब 101% ओके अच्छी कंपनी में बनता हूँ 5 lakh की मिनिमम पैकेज के साथ, ओके तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के डिमांड रियली केस पे बहुत अच्छी डिमांड है, आप चाहते सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिर्फ मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन की हुई है कि आपको किन किन चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो ओके नेटवर्किंग पे राइट जो सिस्को के कोर्सेस हैं, ओके सिस्को मतलब CCNA, राइट वो आप कोर्स आपको आएगा तो इट्स वेल एंड गुड, 80% आपको वो आने चाहिए, मैंडेटरी है, बिना नेटवर्किंग के आप साइबर सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे। नेटवर्किंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपने यदि पीएचपी पाइथन में आपको प्रेफर्ड करूंगा, पीएचपी पाइथन में से यदि आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती हो तो आप साइबर सिक्योरिटी पे इन कर सकते हैं। डेटाबेस को आपको बेसिक नॉलेज हो, मीन्स यदि आप पीएचपी पाइथन लैंग्वेज करेंगे तो आपको डेटाबेस का नॉलेज हो ही जाएगा। ओके, MySQL, ओरेकल या जो भी डेटाबेस है, MS SQL। ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट, जो रेड हैट के सर्टिफिकेशंस होते हैं RSCSA RSCE, आप उन सर्टिफिकेशंस को कर सकते हैं या तो इस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। काली आप सो ये प्रीरिक्विजिट्स है, आपसे ये सब चीज़ें आती हैं, ये मिनिमम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप बेसिकली साइबर सिक्योरिटी पे कोर्सेज करके इंडस्ट्री पे आप वर्क कर सकते हैं। जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं गाइस, जॉब प्रोफाइल सिक्योरिटी एनालिस्ट की होती है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंट, डेस्कटॉप सिक्योरिटी इंजीनियर, ओके, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, ये सब मेजरली ट्रेंडिंग जॉब प्रोफाइल्स हैं। और अच्छा पे आपका होता है यदि आप इन सब प्रोफाइल्स पे किसी अच्छी कंपनी पे जॉब करते हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा ओके पे स्केल जो वेबसाइट है उस पर मैंने एक एवरेज सैलरी सर्च की हुई है कि एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की जो एवरेज सैलरी है वो क्या होती है। तो 4 से 5 लाख आप मान सकते हैं मेट्रो सिटीज पर, मीन्स आप बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ओके, पुणे, इस टाइप की सिटी पे ट्राई करेंगे तो आपको 4 to 5 लाख पर एनम तक का आप पैकेज ले सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। ओके, यस मैम, यस, आई हैव डन एक्चुअली, आई एम स्टॉप टू शेयरिंग माई स्क्रीन। या थैंक यू अभिषेक। संदीप सर, थैंक यू सो मच। या प्लीज, यू कैन लाइक वी आर रेडी विद द क्विज, इफ यू वांट टू कंडक्ट द क्विज और इफ यू वांट द गेस्ट अटेंडीज टू गिव अवे देयर यू नो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड एनरिच द चिल्ड्रंस अकॉर्डिंगली, सो व्हाटएवर यू वांट वी कैन कंडक्ट दैट पर्टिकुलर। ठीक है, मैं क्विज करा देती हूँ। ओके गाइस, आप सब रेडी हैं क्विज के लिए? सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू इन अ व्हाइल वेयर वी विल बी कंडक्टिंग द क्विज। सेमिनार के फीडबैक का लिंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दिया है, आप सभी लोगों को उसके ऊपर अपना फीडबैक हमेशा की तरह सबमिट करना है। एंड देन आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सबमिटिंग सच वंडरफुल रिव्यूज, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स रिगार्डिंग सेमिनार, दे वर वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट अप्रिशिएशन जो आप लोगों ने दिया। एंड आई होप, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कमिट किया था कि हम आप लोगों को एक फ्रूटफुल सेशन देंगे, आप जो हमारे साथ 6 घंटे बिताएंगे ड्यूरिंग 3 डेज, वो आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा पार्ट छोड़ के जाएंगे जहां आपने कुछ अच्छा सीखा। सो आई होप वी वर एबल टू डू दैट। सो एंड नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद द क्विज। लेट मी ओपन माय पेज फॉर द क्विज। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। आप सब लोग अपने मोबाइल्स के साथ और अपनी फास्टेस्ट फिंगर्स के साथ रेडी रहिए। सो अगेन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू ओपन द वेबसाइट www.menti.com और उस वेबसाइट पे आपको जो कोड डालना है, आज वो कोड है 664152। आज की आपकी जो क्विज रहेगी, ये क्विज में साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों को कंबाइन किया गया है, ठीक है। So there will be few questions related to cyber security and few questions related to cloud computing. So we have almost around 100 students present with us today. So let's hit the century of participants today.
एज कमिटेड आप सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा एंड इन दैट सर्टिफिकेट द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग अ स्टार स्टूडेंट सर्टिफिकेट. Those people who will be on the first 5 positions will be getting a star student certificate. Yeah, 40 till now. So we'll wait for another 3 minutes for everyone to join, so everyone get an equal chance of participation. Pass top 664152. Password is 664152. www.menti.com मैं चैट विंडो पे लिख रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आया है वो उस लिंक से ज्वाइन करें www.menti.com. वहां पे जाके आपसे एक कोड पूछेगा, उस कोड के ऊपर आपको कोड डालना है 664152. स्क्रीन के ऊपर सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है www.menti.com पे आप जाएं और ये कोड डालें. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके, सो वी हिट द हाफ सेंचुरी एंड इट्स 45 नाउ. ऑल आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है. अगर कोई बाकी रह गया है तो प्लीज आप मुझे चैट विंडो पे बताएं.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी आपकी वॉइस। ओके ओके सो 37 पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली। द आंसर इज सरफेस वेब। लेट्स सी हु आर द फास्टेस्ट। सो ऑल ऑफ देम आर रनिंग फास्ट एंड यू सी सच अ क्लोज कॉल बिटवीन द पीपल। सो इट इज नेहा मिश्रा विद द फास्टेस्ट ऑफ 956 पॉइंट्स, followed by Divya Mehul 952 points, followed by Bushra with 950 points and Vedant Sahu also at the same 950 points. Yeah, get ready for the next question. Will be there in front of you in a moment. Answer fast to get more points. Which of the following is a classification of cloud based on the deployment model? Which is not a type based on the deployment model. Which of the following is not a type of cloud classification based on the deployment model? Sixty-three people were able to answer it, and out of which 29 answered it correctly. The answer is multi-user. Because public, हाइब्रिड और प्राइवेट तो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन नहीं है वो है मल्टी यूजर। लेट्स सी हु आर द फास्टेस्ट नाउ दिस टाइम। वेरी नाइस, सो वी आर हैविंग द फास्टेस्ट फिंगर एज स्मृति। स्मृति वॉज द फास्टेस्ट एंड द टोटल स्कोर फॉर स्मृति इज 1871 पॉइंट्स। First position is grabbed by Bushra with 1889 points. Second position by Divya Mehul. And third till now is Smriti. Sneha dropped down to the position of fourth. That is 1839 points. Followed by Neelam. So I see most of the girls are, you know, leading the leadership board. Buck up boys. Because sab ladkiyan dikh rahi hai zyada mujhe. Renu, Manisha, then Nikita, Neelam, Sneha, Smriti. Okay, so buck up boys, next question on your screen. Amazon Web Services was launched its first cloud service as, सबसे पहली सर्विस क्या लॉन्च करी थी Amazon ने? So we have 60 answers till now. 3, 2, 1, done. Time up. So the answer is storage as a service. Amazon ne apni first service buckets launch kari thi 2006 mein. Only 14 people have answered it correctly. Amazon is majorly a infrastructure as a service provider. Lekin pehli service jo launch kari thi cloud ki Amazon ne, वो थी स्टोरेज एज अ सर्विस। लेट्स सी हु आर द स्मार्टेस्ट दिस टाइम। द गेम में चेंज कंप्लीटली। सी आई टोल्ड यू बुशरा स्मृति वर नॉट एबल टू आंसर इट एंड नाउ स्नेहा मिश्रा अगेन ऑन द टॉप विथ 2790 पॉइंट्स, फॉलोड बाय वेदांत साहू, मनीषा, दिव्या एंड नीलम गुप्ता। ओके next question, it's in front of you now. Answer fast to get more points. If you have been contracted to perform an attack against the target system, what kind of hacker you are? Agar aapko contract diya hai hacking perform karne ka, to aap kis tarah ke hacker kehlaoge? Aaj Abhishek sir ne padhaya tha aapko ye. Five, four, time up. 72 people answered it and the answer is white hat hacker. You will be known as white hat hacker. You have been contracted. Aapko contract diya company mein, to aap white hat ho gaye. 29 people were able to answer it correctly.
सो इट वॉज अ क्लोज कॉल विद ब्लैक हैट. ब्लैक हैट है जो कि अपनी मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ कंपनी को हैक करता है, दैट इज अ ब्लैक हैट हैकर. ओके सो लेट्स सी हु वाज द फास्टेस्ट दिस टाइम. सो स्नेहा मैनेज टू आंसर इट करेक्ट दिस टाइम ऑल्सो एंड द फास्टेस्ट वॉज स्नेहा. ग्रेट. सो द फर्स्ट पोजिशन इज स्टिल होल्ड बाय स्नेहा मिश्रा. सेकेंड पोजिशन पे वेदांत साहू है एंड थर्ड पोजिशन पे पवन तिवारी 3000 पॉइंट्स, चिरंजीव लाल कुशवाहा 2817 पॉइंट्स एंड फिफ्थ पोजिशन पे स्मृति है 2734 पॉइंट्स पे. सो बॉयज टुक मी वेरी सीरियसली एंड दे आर बकिंग अप एंड मूविंग अहेड टू द टॉप पोजिशंस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन. Answer it fast. What type of operating system is used in ethical hacking? Which operating system is used for hacking? Kiske through hum hacking perform karte hain? Time up. 73 people answered it correctly. Let's see. Very good. Most of you have answered it correctly. And the answer is Kali Linux operating system through which the hacking is performed. 41 people managed to answer the correct. They have selected the right option. And let's see who was the fastest among all. So we see that this time the fastest was Vedant Sahu. The fastest was Vedant Sahu. Next question, and I think it will be the last question. So be quick to answer it. In free tier account, which of the following EC2 instance can be used? Free tier account mein, inmein se kaun sa EC2 instance use karte hain? Time up. The answer is T2 Micro and only 21 people were able to answer it right. And let's see who were the fastest among all. The fastest was Lavkush Kushwaha. And you see the game changed at the last moment. The game changed at the last moment. Sneha was leading the board, but Sneha is shifted to the third position. First position has been bagged by Vedant Sahu with 5,342 points. Second position, Pavan Tiwari with 4,842 points. Third position, Sneha Mishra with 4,669 points, followed by Nikita Ray. And then Mehul. Mehul, आप आपका नाम मुझे बता दीजिएगा कि मेहुल का नाम क्या है, फुल नेम क्या है मेहुल का. प्लीज टेल मी इट ऑन द चैट विंडो. आई हैव रिटन इट विद मी. सो दीज आर द फाइव टॉप पोजिशन बैग्ड. थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन. आई विल हैंड इट ओवर टू संदीप सर फॉर प्रोसीडिंग विद द रेस्ट. Thank you, ma'am. Mobile pe mil gaya. Santosh, e-government se master. चार्ज हैं संतोष सोनी जी.
ई गवर्नमेंट से संतोष सोनी सर अवेलेबल हैं क्या? के दीक्षित सर भी ज्वाइन हो चुके हैं, वेलकम सर। संतोष सोनी सर, हेलो सर, संतोष सोनी सर वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है भाई? कुछ अपनी टेक्निकल चीज शेयर चाहेंगे? तीन दिन का सेशन जी सर, तीन दिन का सेशन बहुत ही अच्छा था और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, हालांकि अभी बहुत लाइट लाइट में बताया है मैडम ने, लेकिन इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बच्चों को यही नहीं पता कि सीसीएनए करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा या कौन से फील्ड में हमको जाना चाहिए या बेसिक या बिगिनर को किस में काम करना चाहिए, इन सभी चीजों का बच्चों को भी ज्यादातर आइडिया नहीं है। तो इस बेसिक तीन दिन के ट्रेनिंग से ये बड़ा क्लियर हो गया कि बच्चों को करना क्या है या किस फील्ड में जाना चाहिए। एक सबसे अच्छी बात हमको मैडम की ये लगी सर कि सर ने बताया कि बिना कंप्यूटर के टेक्निकल नॉलेज, मतलब यदि किसी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं भी है तो बच्चे वो ना जाने कि भाई हमको लैंग्वेज नहीं बनती तो हम फिर किसी दूसरे साइड पे नहीं जा सकते। लैंग्वेज नहीं भी बनती है तो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी अपने आईटी फील्ड में अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। और इन सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि यदि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप परेशान ना हो, आपको दूसरी फील्ड, उसी में दूसरी फील्ड में आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा कर सकते हैं और दूसरे बहुत सारे कोर्सेज आप वहां पे अप्लाई करके और उसमें भी अपना काम करा सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा, मैडम ने बहुत अच्छा दिया तीन दिन का, मुझे बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया पर्सनली। और कटारे सर को नमस्कार यदि जुड़े हैं तो ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। दीक्षित सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिर से, दीक्षित सर हेलो, दीक्षित सर हाँ जुड़ चुका हूँ, मैं जुड़ चुका हूँ, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम सर, सर आज लास्ट सेशन है, कुछ कुछ कहना चाहेंगे आज सर आप? क्या धन्यवाद देना है सबको अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, और जो आपके आप तो हैं ही है बधाई के पात्र सभी, पूरी एंटायर टीम आपकी रामकृष्णा कॉलेज की, और विशेषकर आप प्री साहब और जितने दो एचओडी और सबके सब बहुत बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आपने जो टॉपिक चुना है इसकी आज सबको जरूरत थी। आप एटीएम पे जा रहे हैं, वायरस के कारण उसको टच करने का खतरा है, कुछ दिनों बाद आपका मोबाइल ही आपका प्राइम डेटा बनेगा, अब उसको सिक्योर कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी, और आप जिस ट्रेनर को लाए इज मास्टर इन हिज प्रोफेशन, हर एक्सप्लेनेशन पावर इज ऑफ हाई लेवल विच इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ टीचर। बहुत अच्छा उन्होंने समझाया है, और जितने स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेंट उनको बहुत कुछ मिला है इसमें, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, क्लाउड कंप्यूटिंग जानते ही पहले नहीं थे कि ये क्या है, साइबर सिक्योरिटी तो जानते थे, डेटा हमारा पड़ा हुआ है क्लाउड में उसको सिक्योर कैसे करना है, ये सब इनको जानकारी मिली है, सब बधाई के पात्र हैं। और दो घंटे पेशेंस रह के सुनना एक टीचर को, ये भी एक कला है, वो इन्होंने किया, इसलिए ये सब बधाई के पात्र हैं। और हमारे दो लोग अवर टू चीफ गेस्ट कटारे सर एंड नविता श्रीवास्तव, जिनके उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की सफलता की मानक है, वो भी बधाई के पात्र, सबको बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली आपके जो ट्रेनर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत फायदा होना भी चाहिए, और तीन दिन में इससे ज्यादा बताया भी नहीं जा सकता था क्योंकि डेढ़ घंटा तो मिलता ही है इनको,
इससे और अच्छा नहीं बताएगा, मतलब बहुत, फिर से इनको बुक करेंगे अगली बार के लिए, 3 से नहीं 1 वीक की ट्रेनिंग होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ तब ये काम हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कंडक्टिंग दिस ट्रेनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। हाँ सर, मैं सर मैं एके दीक्षित सर को और सभी माननीय सदस्य जो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और हमारा कॉल उन्होंने अटेंड किया और हमारे सेशन की आप लोगों ने जो बुरी बुरी शब्दों में प्रशंसा की है उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। और थैंक यू संदीप सर, आप हमें हमें आपने अपने आप से जोड़ा। और हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट फॉर ए वीक, 3 days इज नॉट सफिशिएंट। यस सर, डेफिनेटली, एंड वी विल टेक अप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट सर, एक दिन में एक दिन बढ़ाना। हाँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए, बहुत बहुत बधाई। कर ली थी तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क देख रहे हैं चेहरे। नहीं वो मीटिंग के लिए जा रही थी। चलिए ठीक, ओके, दिस हैप्पी जर्नी। फाइनल पिंकी शर्मा मैम को बुलाना चाहूंगा वोट फॉर थैंक्स के लिए, और इसके साथ ही आज का सेशन एंड होगा। प्रोफेसर पिंकी शर्मा, हेलो एवरीवन, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली आई विल लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू एके दीक्षित सर। सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और नेक्स्ट माय जो आज की चीफ गेस्ट है, थैंक यू सर, और नेक्स्ट हमारी जो आज की चीफ गेस्ट है प्रोफेसर नमिता श्रीवास्तव मैम, थैंक यू मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड हर गाइडेंस। नेक्स्ट मैं आज के सर और मेंटर जो हमारे अभिषेक सोनी सर हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी। सर आज आपने बहुत ही अच्छा, इट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग एंड फेबुलस सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट मैं निशा मैम को थैंक यू कहना चाहूंगी। मैम आपने तीनों दिन इतना अच्छा पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प किया और सारी चीजें, आई ट्रेन यू टेक्नोलॉजी का थैंक यू कहना चाहूंगी मैम आपका, कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में आपने हेल्प किया और इतने अच्छा ट्रेन किया हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगी उनके प्रेजेंस और कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। आपके कंसिस्टेंसी की वजह से ही ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ और आप लोगों की इतनी मेहनत की वजह से ही हम मोटिवेट हुए और आगे चल के भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलकर और भी इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करें। तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से आप बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबके हार्डवर्क और कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू।